Right. So what we are doing today is we are. So इसका जो पर्पस था वो ये था कि आप लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया दिया जाए और आप लोगों को इसकी I don't know why you're not hearing. If there must be an issue, that's why I announced this about this webinar one day ago. So you can fix your problems, you can fix your system, or you can install Zoom or how to use Zoom. You can understand about it, right? So the reason of conducting this webinar or discussing this topic is very, very simple. 10-11 साल से वॉइस सर्च हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है, बट वी डोंट नो अबाउट इट, राइट? हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड नहीं है, बट अगर हम बाहर के कंट्रीज में देखें, मॉडर्न कंट्रीज में देखें, तो वहां पे क्या होता है कि आप आपको अगर कोई चीज परचेज करनी है, किसी होटल में रिजर्वेशन करनी है, आपको कोई चीज किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई कोई चीज परचेज करना चाहते हैं, उसके फीचर्स जानना चाहते हैं, कोई चीज परचेज करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या इसके थ्रू ये काम हो सकता है, अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं. सो ये सारी चीजें जिस जैसे हम टाइप करके करते थे, राइट? जैसे हम टाइप करके करते हैं, इसी तरह से ये सारी चीजें हम बोल के, यानी कि वो गूगल को बोल के या सीरी को बोल के या जितने भी असिस्टेंट हैं इनको बोल के हम उस चीज का सोल्यूशन कोशिश करते हैं. लेट मी शो यू समथिंग. कुछ लोगों को अभी भी इसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा द व्हाट दिस इज, बट होल्ड ऑन अ मिनट. बहुत सारे लोगों को इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बट व्हाट दिस इज. सो ये देखें, हमारे यहाँ पे ये हमारे सामने गूगल है, राइट? हमारे यहाँ पे ये गूगल है और हम यहाँ पे क्या करते हैं नॉर्मली, अभी हमने किस चीज के बारे में सर्च करना होता है हम यहाँ पे टाइप करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज माई आईपी, फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है. जब हम यहाँ पे टाइप करते हैं तो यहाँ पे हमें ये सारी चीजें बताता है, राइट? उसके बाद एक और तरीका इस चीज का होता है कि इसी चीज को सॉल्व करने के लिए मैं गूगल को वॉइस में इंस्ट्रक्शंस देता हूँ. नाउ फॉर एग्जांपल, दिस लिटिल बटन, दिस माइक बटन यू कैन सी, मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड आई विल टेल हिम टू डू समथिंग. ओके, सी हु वॉन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019. राइट? यू कैन सी कि वही चीज जो हम टाइप करके, वही चीज जो हम यहाँ पे टाइप करके करते हैं, वही चीज हम बोल के इसको बताते हैं कि हम इस चीज का आंसर दे, राइट? इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे दोबारा से करके दिखाऊं आपको, व्हाट आर द बेस्ट फीचर्स फॉर आईफोन एक्स, राइट? सो ये मुझे वो रिजल्ट्स दिखा देगा जिनके अंदर आईफोन एक्स के न्यू फीच जो आईफोन एक्स के जो बेस्ट फीचर्स हैं या न्यू फीचर्स हैं उनकी तरफ मुझे ले जाएगा, राइट? कुछ वीडियोस आ जाएंगे सेम उसी तरह से जैसे हमें नॉर्मली हमारी 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 नॉर्मल सर्च जो हमारा टाइप करने का तरीका है, जिस तरह से हम टाइप करके कोई चीज इस चीज का आंसर ढूंढते हैं, सेम इसी तरह से हम इस पे बोल के उस चीज का आंसर लेने की कोशिश करते हैं, राइट? अब अगेन इसकी डिमांड बढ़ रही है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदे के हाथ में इस तरह की चीज है, राइट? हर बंदे के, इट्स नॉट जस्ट ओनली द एनएलपी, इट्स 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 कंबाइंड विद सम अदर थिंग्स व्हिच आई विल कवर. ओके, इट्स नॉट ओनली द एनएलपी, ऑलराइट? सो अगेन, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू वो, फॉर एग्जाम्पल, उसने किसी होटल की रिजर्वेशन करवानी है, उसने किसी किसी जगह पे कोई बुकिंग करवानी है, कोई टिकट बुक करवानी है, कोई किसी 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 बार्बर के पास अपनी अपॉइंटमेंट करवानी है, इन सारी चीजों के अंदर वॉइस सर्च आती है. अब मैं कुछ एनालिसिस पढ़ रहा था जिसके अंदर इसमें बताया गया था कि
एटलीस्ट एक ग्रोन मैन या एक एडल्ट जो है वो एक दिन में कम से कम दो वॉइस सर्चेस करता है हर हाल में, राइट। सो अब अंदाजा लगाएं कि ये कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर मुझे किसी चीज का आंसर लेना, आई डोंट वांट टू टाइप, राइट, मैं टाइप नहीं करना चाहता, आई विल जस्ट स्पीक दोज वर्ड्स और द क्वेश्चन, आई विल यू नो स्पीक दैट क्वेश्चन एंड गूगल और एनी अदर असिस्टेंट विल गिव मी द आंसर टू दैट। अब इस सारी चीज को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने का मकसद क्या है, वो ये है कि अगर ये कर्व चेंज हो रहा है, यानी कि जो नॉर्मल एक सर्च पैटर्न है हम टाइप करके करते हैं, अब इसके अंदर से चेंजिंग आ रही है कि लोग वॉइस के थ्रू सर्च करते हैं उन्हीं सेम चीजों को। तो जब वो वॉइस के थ्रू उन सब चीजों को सर्च करते हैं तो जो हमारी साइट, क्योंकि वो तो टेक्निकल वेज के ऊपर, टेक्निकल बुनियादों के ऊपर हमने अपनी साइट को सेटअप किया होता है, ठीक है, तो बेसिकली वॉइस सर्च के लिए अपनी साइट को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना, उसके अंदर क्या ऐसी चीजों का एडिशन करना या किन चीजों का ख्याल रखना कि हमारी साइट जब कोई बंदा वॉइस सर्च के थ्रू भी कर रहा है तो उसके अंदर आनी चाहिए, ओके, राइट। सो टुडेज टॉपिक और जो टुडेज यू नो द वेबिनार इज अबाउट हाउ टू ऑप्टिमाइज और हाउ टू सेट अप योर साइट और प्रॉपर्टी, एनी, इट डजंट मैटर इफ इट्स अ लोकल बिजनेस। अगर ये कोई लोकल बिजनेस है, आपके किसी क्लाइंट की साइट है, आपकी अपना कोई प्रोजेक्ट है, आपकी अपनी कोई साइट है जिसके अंदर आप ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, या आप अपनी साइट को वॉइस सर्च ऑप्टिमाइज बनाना चाहते हैं कि जब कोई बंदा वही सेम चीज जो लिख के टाइप करके मेरी साइट पे आता था, लेकिन अगर वो बोल के टाइप कर, बोल के अगर वो गूगल को बताता है कि मुझे इस चीज का आंसर चाहिए, अपना क्वेश्चन बोल के बताता है या कोई सजेशन बोल के बताता है, तो उसी चीज को जो वो टाइप करके आता था बोल के आने के बाद मेरी साइट पे किस तरह से लैंड करे, ओके। इसके अंदर कुछ टेक्निकल चीजें आ जाती हैं, हम टेक्निकल चीजों की तरफ जरा बाद में जाएंगे, काफी सारे इसके फैक्टर्स हैं कि जिनको हमें सामने रखना पड़ता है टू यू नो मेक आवर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू, यानी कि इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब मैंने ये चीज टाइप की, जब मैंने चीज बोली है यहाँ पे, राइट, अगेन मैं इसको अगेन बोलता हूँ, what is the difference between wet dryer and what is the difference between wet vacuum cleaner, what is the difference between wet and dryer vacuum cleaner, ye dekhen, okay, why? अभी आप मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है, मे बी आई डोंट नो आपको आ रही है या नहीं आ रही, राइट, आ रही है आप लोगों को आवाज, आप लोगों को आ रही थी आवाज, ओके, नहीं, बट हो ये रहा था कि जब मैंने ये चीज टाइप की थी तो इसका असिस्टेंट जो था वो मुझे बोल के बता भी रहा था कि हमने जो रिजल्ट फाइंड किया है, जो सबसे फर्स्ट रिजल्ट जो हमने फाइंड किया वो उसको बेसिकली बोल के हमें बता रहा था, ओके। तो बताने का मकसद ये है, अब ये साइट यहाँ पे क्यों आ रही है, ये साइट यहाँ पे क्यों आ रही है, या फॉर एग्जांपल ये साइट यहाँ पे क्यों आ रही है, ये साइट यहाँ पे क्यों आ रही है, बाय बिकॉज दे आर वॉइस सर्च ऑप्टिमाइज्ड, ओके, एंड देर इज ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इस क्यूरी के ऊपर ये साइट आ रही है, देर आर अ लॉट ऑफ अदर क्यूरीज जिनके ऊपर ये सारी साइट्स आनी चाहिए या आती होंगी, राइट। मैं जस्ट आपको डेमो करके बता रहा हूँ कि किस तरह से हम वही चीज जो टाइप करते हैं और हमारे सामने एक रिजल्ट आता है या चंद रिजल्ट आते हैं, इसी तरह से जब हम बोलते हैं तो सर्च इंजन उन्हीं उसी तरह के रिजल्ट्स को हमारे सामने ला के खड़ा कर देता है कि हमारी नजर में जो आपने बोला है, जो आपने बताया है हमें ढूंढने के लिए, उसके मुताबिक ये बेस्ट आंसर्स हैं हमारे पास, सेम, राइट, ट्रेडिशनल सर्च एंड वॉइस सर्च, ओके। सो अब हमें पता लग गया कि अच्छा यार वॉइस सर्च ऐसे होती है, और हमें ये भी पता है कि अच्छा यार हर बंदे के हाथ में एक सेलफोन है, हर बंदे के हाथ में कोई ना कोई डिवाइस है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, हर चीज, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चीज अवेलेबल है कि आपने जो चीज टाइप करनी थी आज वो आप बोल के उसका आंसर ले सकते हैं, राइट। अब सोचें एक मिनट के लिए कि हम आज तक या हम आगे जाने आने वाले 4 साल 5 साल 2 साल के अंदर अपनी साइट्स को अगर इन चीजों के ऊपर ऑप्टिमाइज नहीं करते तो हम कितना बड़ा पोटेंशियल लूज कर रहे हैं, करेक्ट, करेक्ट।
अब इसका यही यही पर्पस था आज का। मैंने इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा रिवील नहीं किया था कि मैं चाह रहा था कि जरा इसको जरा मैं अपने वे में इसको आपको डिलीवर कर सकूं कि इसका इसका जो इम्पैक्ट आने वाला है आगे आने वाले सालों में, ऐसा नहीं है, काफी सालों से इस चीज के ऊपर काफी सीरियस डिबेट चल रही है। इवन के आई स्टिल रिमेम्बर के गूगल एनालिटिक्स ने अपना सेपरेट फिल्टर लगाया था सिर्फ इस चीज के लिए कि वो उन क्यूरीज को ट्रैक कर सके जो सिर्फ और सिर्फ वॉइस सर्च के थ्रू आती हैं किसी भी साइट पे, राइट। जिस तरह से हमारे पास गूगल एनालिटिक्स होता है उसमें हमें बताता है कि ये ट्रैफिक आपको यहाँ से आई है, इस कीवर्ड के ऊपर आई है, इस कीवर्ड के ऊपर आई है, राइट। तो इस तरह से उन्होंने एक और सिस्टम बनाया था या बनाया या टेस्ट किया था उन्होंने, जिसमें उनका पर्पस सिर्फ सिर्फ ये था कि गूगल एनालिटिक्स के अंदर ऐसी क्यूरीज को दिखाया जाए यूजर को कि वो उसको अंदाजा हो कि ये जो बंदा आपके पास आ रहा है ये वॉइस सर्च के थ्रू आ रहा है, ओके। बट करंटली अभी इसको ट्रैकिंग का इसकी ट्रैकिंग का भी कोई ऐसा है नहीं, अभी इन्होंने कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, बट आई एम प्रिटी श्योर बाय 2021 मैक्सिमम 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर इट विल बी इनटू सिस्टम, ओके। क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी, डू आई नीड टू टेल यू कि किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोग्रेस कर रही है? आई आई थिंक आई डोंट नीड टू टेल यू दैट हाउ हाउ स्ट्रॉन्गली द टेक्नोलॉजी इज बीइंग इम्प्रूव्ड डे बाय डे, राइट। पहले सिर्फ और सिर्फ एक होता था गूगल सॉरी असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट जिसको हम सीरी बोलते हैं फ्रॉम एप्पल, लेकिन उसके साथ साथ फिर इसकी कंपटीशन में अलेक्सा आया, फिर उसकी कंपटीशन में गूगल वॉइस सर्च आई, राइट। सो इस तरह से ये सारी चीजें, फिर आजकल हमारे अपने पीसी के अंदर एक चीज होती है जो यहाँ पे ये टिनी माउस आपको ये नजर आ रहा है, टिनी माइक कॉर्नर ये बॉटम पे, राइट, यस, कोर्टाना, राइट। ये दिस इज ऑल्सो वॉइस सर्च असिस्टेंट के, अगर मैं इसको कुछ बोलता हूँ तो ये मुझे जाके, बट इनके अपने अपने क्राइटेरियाज डिफरेंट है। कोर्टाना कहीं और से डाटा गैदर करता है, गूगल वॉइस अपने गूगल के डाटा सेंटर से डाटा गैदर करता है, सीरी जो है वो कहीं और से करता है, इसी तरह से एलेक्सा जो है वो कहीं और से करता है। हम इसकी डिटेल में बाद में आएंगे कि ये किन किन एरिया से अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और किसी यूजर को दिखाने के लिए, राइट। बट फिलहाल आई एम प्रिटी श्योर इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सो आई शुड मूव ऑन। क्लियर? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू डगलस, बिकॉज यू एंड मी बोथ नो दैट द वॉल्यूम फॉर दीज काइंड ऑफ क्यूरीज डजेंट मैटर, डज इट? बिकॉज इफ यू आर यू नो चूजिंग और टाइपिंग अ कन्वर्जेशनल क्यूरी, मोस्ट प्रोबेबली समवन एल्स इज टाइपिंग द सेम क्यूरी विद डिफरेंट वर्ड्स, राइट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, अब इसको समझाने के बाद आई विल टेक क्वेश्चंस लेटर, ओके डगलस, डोंट वरी, लाइक प्रीवियस, लाइक यू नो द ओल्ड डेज, द ओल्ड ग्लोरी डेज, आई विल टेक द क्वेश्चन लेटर एट द एंड, ओके। सो अब क्योंकि आपको इस चीज का समझ आ गया है, अब इससे इम्पोर्टेंट चीज जिसको समझना आपके लिए जरूरी है वो क्या है कि समझ आ गई, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये चीज टाइप करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या मैं ये चीज स्पीक, आई स्पीक दीज वर्ड्स, ओके, और दिस सेंटेंस, या मैं ये टाइप करता हूं, तो इसका मतलब है कि अगर वो इस पेज के ऊपर ये चीज पढ़ी होगी या ये चीज मतलब ये वर्ड या लाइन लिखी होगी तो फिर ये मुझे रिजल्ट दिखा रहा है, राइट। ऐसा ही है, बट नॉर्मली, बट यही यही एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है जिसको मैं क्लियर करना चाह रहा था, जो आई थिंक मैंने पहले भी की थी, बट फॉर द बेटर एक्सप्लेनेशन, द होल गेम चेंजेस When in 2000, at the end of 2012 or I think in 2013, when Hummingbird came. What is Hummingbird? Hummingbird is basically a Google's update. सही है, Google की तरफ से एक अपडेट है, जिस तरह से बहुत सारी अपडेट है, इस तरह से एक गूगल अपडेट है, सॉरी एल्गोरिथम है, it's not an update, okay, it's an algo, okay. And the purpose
of this algo is to use the wait a minute let me right the purpose of this hummingbird or this algo is to understand the context or understand the meaning behind a piece of content or a paragraph or a sentence, okay, not the actual words. यही वजह है कि जब हमिंग बर्ड के आने के बाद हमारी जो एक टिपिकल सो कॉल्ड हमारी एशियन जो हमारे माइंड में है कि किस तरह से हम अपने पेजेस को कीवर्ड स्टफ करते थे, किस तरह से हम जगह जगह पे अपने कीवर्ड्स इंजेक्ट करते थे सिर्फ इस पर्पस के लिए कि अगर मैं ये कीवर्ड्स यहाँ पे इंजेक्ट कर दूंगा या यहाँ पे इंजेक्ट कर दूंगा तो जब कोई बंदा सर्च कर रहा होगा तो मेरा पेज सामने आएगा, राइट. दिस होल perception or this whole methodology changed when hummingbird came. Okay, hummingbird ne aane se kya kiya ki ab ek page hai, ab google ya ye algo ye nahi dekhega ki us page ke upar kitni dafa kaun sa keyword aaya hua hai. Okay, wo ye nahi check karega, wo ye check karega ki is bande ne jo piece of content likha hua hai uske kya matlab hai. Doesn't matter के उस बात के अगर 100 मतलब है, 1000 मतलब है, 2 मतलब है, 1 मतलब है, doesn't matter, right? और इसी वजह से जो सबसे important चीज है कि ऐसे pages जो intent को सामने रखते हुए create किए जाते हैं या मतलब keyword, I mean the so-called keyword density और so-called keyword placement या keyword stuffing को सामने ना रखते हुए बनाए जाते हैं pages, वो पेजेस दूसरे पेजेस की निस्बत ज्यादा कीवर्ड्स की कवरेज करते हैं. ज्यादा कीवर्ड्स की कवरेज करने का मतलब कि वो कीवर्ड्स ज्यादा लोगों को नजर आते हैं. आई मीन उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल, अगर एक पेज है जो कि एक बंदे ने जिसके ऊपर कीवर्ड स्टफ किए हुए हैं बार बार कीवर्ड स्टफ किए हुए हैं, राइट, और वो पेज हो सकता है कि 4 या 5 या 10 कीवर्ड से ट्रैफिक लेके आ रहा हूँ, लेकिन उसके मुकाबले में एक और उसका कंपेटिटर है, एक और बंदा है जिसने वही पेज बनाया हुआ है और उसने कीवर्ड स्टफिंग नहीं की हुई, उसने नेचुरली कंटेंट लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर उसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं, हर किस्म की चीज को कवर करने की कोशिश की हुई है. उसके मुकाबले में वही पीस ऑफ कॉन्टेंट मे बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक लेके आएगा. डू यू वॉन्ट मी टू टेल यू? इफ यू वॉन्ट मी टू शो यू सम एग्जाम्पल्स, लेट्स गेट दिस If I copy this, अब जाहिर सी बात है मैंने यहाँ पे ये टाइप किया तो यहाँ पे रिजल्ट तो आ रहा है ना, ये वाला, राइट. इसका मतलब है इस पेज के ऊपर ये वर्ड मौजूद होगा जब भी इसने यहाँ पे हमें बताया, राइट. सो अगर मैं यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करता हूँ इस कीवर्ड को तो ये मुझे क्या कहता है, नहीं भाई ये कीवर्ड यहाँ पे नहीं है, ऐसा ही है, दिस कीवर्ड इज नॉट ऑन दिस पेज. सो फिर क्या मतलब, फिर वो हमारी वो पॉलिसी या वो वो चीज कहाँ चली गई जिसमें लोग कहते थे कि भाई आप अपने कीवर्ड को जितनी दफा या आप जब तक उस कीवर्ड को अपने पेज के ऊपर प्लेस नहीं करेंगे बार बार तब तक वो नहीं आएगा. अब मैंने आपको सामने दिखाया कि एक कीवर्ड या एक सेंटेंस या एक लाइन कह लें जिसको हमने सर्च किया और सेकेंड रिजल्ट पे जो आ रहा था उस पूरे पेज के ऊपर वो कहीं वर्ड ही नहीं है, वो लाइन ही कहीं नहीं है, राइट. दिस इज द मैजिक ऑफ Hummingbird. This is the magic of hummingbird. अब उसने क्या किया है, उसने इस क्वेश्चन को या इस लाइन के मतलब को समझाया कि ये बंदा क्या ढूंढना चाह रहा है, राइट. उसने ये नहीं देखा कि मैं ऐसे पेजेस को उठा के लाऊं जिनके ऊपर ये पूरी की पूरी लाइन, ये वाली लाइन अवेलेबल हो, राइट. ये लाइन जहां पे हम क्या करते हैं, होल्ड ऑन, रिलैक्स. हम क्या करते हैं, हमें क्या बताया गया, हमें क्या समझाया गया कि भाई आपने एक पेज जब बनाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस लाइन या इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है तो आपको इस कीवर्ड को या इस लाइन को अपने पेज के ऊपर कहीं ना कहीं पे इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट. टाइटल में या फॉर एग्जाम्पल मिडल में या एट द एंड ऑफ द आर्टिकल कहीं ना कहीं पे इसको प्लेस करना पड़ेगा, ऐसा ही है, राइट. जब जाके हम हमारा सर्च के अंदर या हमारी जो है वो साइट सर्च के अंदर अवेलेबल होगी. ये टिपिकल एक परसेप्शन है, एग्री, ऐसा ही होता है. सही है, बट अगर मैं देखूं कि अगर ये परसेप्शन सही है तो फिर इसका मतलब है ये जितने रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं इन सब पेजेस के ऊपर ये लाइन होनी चाहिए, राइट.
Oppo A3s, kindly change your name so that I can at least I can know I should know you who is typing. ऐसे नहीं आता मजा. ओके सो इसका मतलब है ये सारे पेजेस के ऊपर जो यहाँ पे आ रहे हैं इनके ऊपर ये वर्ड होना चाहिए. बट इफ आई ओपन दिस पेज विच इज दिस पेज दिस वन राइट दिस पेज इफ आई ओपन दिस पेज एंड आई टाइप और ट्राई टू फाइंड दिस यू नो कीवर्ड और दिस लाइन हेयर, ये मुझे यहाँ पे क्या बताता है कि ये पूरे पेज के ऊपर कहीं लाइन ही नहीं है. ऐसे ही है, कहीं पे इसने फाइंड नहीं की. द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस, द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस इज कि ये चीजें बहुत पुरानी हो गई हैं एंड वी आर स्टिल, हम यहीं पे खड़े हुए हैं कि हमें कि हम जब तक अपने कीवर्ड्स को अपने टाइटल के अंदर पूरे का पूरा नहीं एडजस्ट करेंगे, या अपने फर्स्ट पैराग्राफ में 2-3 दफा, या अपने लास्ट पैराग्राफ में 2-3 दफा, या आखिर एंड वाले पैराग्राफ में 3-4 दफा नहीं प्लेस करेंगे राइट तो वो चीज हमारे सामने नहीं आएगी. मतलब वो आप वो कि रैंक नहीं करेगा कीवर्ड, या वो सामने नहीं आएगा कीवर्ड. ऐसा ही है, यही सुना है हमने. लेकिन आपको मैं यहाँ पे चीज ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ, आज के वेबिनार का सिर्फ और सिर्फ पर्पज यही था कि आप लोगों को उस सारी चीज से बाहर निकाला जाए, उस सारी आइडियोलॉजी से मेथडोलॉजी से जो आपके जहनों में भर दी गई है कि बेटा जिंदगी में कुछ करना है तो कीवर्ड स्टफिंग सीख ले. ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, जिंदगी में कुछ करना है तो कीवर्ड स्टफिंग सीख ले वरना बर्बाद हो जाएगा. बर्बाद तो तूने कीवर्ड स्टफिंग करके भी होना है, कुछ सही सीख ले, ये मेरा कहना है. राइट सो व्हाट आई मीन टू से, मैं ये क्यों एग्जांपल ये इसलिए क्यों दिया, वॉइस सर्च के टॉपिक से हम इस टॉपिक तक क्यों आए हैं, कि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जब जब आप कोई चीज टाइप करते हैं तो सर्च इंजन का सिस्टम ये उसका सिस्टम ये नहीं होता कि उसने ऐसे पेजेस को देखना है जिनके ऊपर वो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड बार बार प्लेस हुआ. उसने ये देखना है कि वो कौन सा पीस ऑफ कंटेंट है जिसके अंदर ये जो बंदा टाइप कर रहा है क्वेश्चन या इसकी कोई कंफ्यूजन है, इसका जवाब कौन से पीस ऑफ कंटेंट के अंदर मिलेगा. राइट तो वो ऐसे पीसीज ऑफ कंटेंट को उठा के ला के हमारे सामने प्रेजेंट करता है जिनके अंदर उन बातों का जवाब होता है. वो बातें बार बार नहीं लिखी होती, वो बातें बार बार टाइप नहीं की होती सेम वर्ड्स में, उन बातों का या उस वर्ड का जवाब वहां पे मौजूद हो. दिस इज कॉल्ड इंटेंट राइट, दिस इज कॉल्ड एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ हमिंग बर्ड. ओके अब हमिंग बर्ड मैंने बता दिया, दिस इज एन अल्गो ऑफ सर्च इंजन. ओके जिसका पर्पज ये है कि उसने कीवर्ड को पीछे छोड़ देना है, उसने ये देखना है इस बंदे ने जो क्वेश्चन टाइप किया है या जो वर्ड 3-4 वर्ड टाइप किए हैं इन वर्ड्स के पीछे क्या मतलब है इसका. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करता हूं एक वर्ड, हाउ टू लूज वेट फास्ट. ओके वेरी टिपिकल क्यूरी. ओके राइट अब मुझे यहां पे बता रहा है ये, ठीक है अगर मैं इसको ओपन करूं, इस पहले ही पीस को ओपन करूं, अब मुझे यही बता रहा है ना यहां पे ये, राइट पहला रिजल्ट ये आ रहा है इस क्यूरी के ऊपर. अब मैं इस क्यूरी को कॉपी करता हूं क्योंकि मैंने ये पेज यहां पे खोल लिया है राइट. अगर मैं इसके ऊपर फाइंड करूं इसको इसी वर्ड लाइन को, ये पूरा वर्ड किस पूरे पेज पे नहीं है कहीं पे. समझ आई है नहीं आई. बट अगर मैं इस कंटेंट को देखूं नाउ, असल चीज आपको अब समझ आना शुरू होगी, असल चीज आपको अब समझ होगी. जब हम अब हम अगर इस पीस ऑफ कंटेंट को पढ़ा जो करें पढ़ना शुरू करें, तो ये पीस ऑफ कंटेंट किस चीज के बारे में है. 12 टिप्स टू हेल्प यू लूज वेट ऑन द 20 वीक प्लान राइट. सो इसका मतलब है हाउ टू लूज वेट, और इसके अंदर किस किस्म का मतलब है. सेम तकरीबन सेम मतलब बनता है, यानी कि वो बेसिकली टिप्स बता रहा है कुछ आपको वेट लूज करने की 12 हफ्ते के अंदर राइट. अब देखें अपनी क्यूरी को, देखें अपने कीवर्ड को, देखें जो आपने टाइप किया था, और इस पीस ऑफ कंटेंट के मतलब को समझने की कोशिश करें. दोनों आपस में मिलते हैं, राइट
दोनों का मतलब तकरीबन सेम है कि एक बंदा ये देखना चाह रहा है कि मैं जल्दी वेट कैसे लूज कर सकता हूँ, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने ऐसी कोई साइट सामने नहीं लेके आया जिसके ऊपर ये टाइप क्यों रही है। फॉर एग्जाम्पल चले, अभी तो हमने एक एक ही ओपन किया था ना, ये पहला पेज, राइट। हम और पेजेस ओपन करते हैं, ये हेल्थ लाइन ओपन कर लेते हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, राइट। सेकंड पेज पे चले जाते हैं, दिस वन दिस वन दिस वन। अब ये सारे के सारे इस क्यूरी के ऊपर आ रहे हैं, ऐसे ही है। हालांकि ये कोई इतनी इतनी यू नो बड़ी क्यूरी नहीं है, काफी छोटी, काफी छोटा कीवर्ड है, इतना ज्यादा बड़ा कीवर्ड नहीं है, इससे काफी बड़े बड़े कीवर्ड्स होते हैं। अगर मैं इन पेजेस को, अब ये पेजेस मेरे सामने खुल रहे हैं, राइट, अब इसको देखते हैं इसके अंदर, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है फ्रंट पे, ये देखें इसने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, समझ आती है चलो क्यों, लेकिन उसने सिर्फ यहाँ पे ये टाइप नहीं किया हुआ, चलो मान लिया कि इसने यहाँ पे टाइप किया हुआ, ठीक है। ये वाला अगर मैं इसके ऊपर ढूंढने की कोशिश करता हूँ, इस पेज के ऊपर कहीं पे भी नहीं है, पूरे पेज पे ऐसे ही है, इस पेज के ऊपर भी कहीं नहीं है, ठीक है। इस पेज के ऊपर मैं फाइंड करता हूँ, इस पेज के ऊपर एक जगह पे आया हुआ, चलो चले एक जगह पे मान लिया कि आ गया, राइट। इस पेज के ऊपर कहीं देखने की कोशिश करते हैं, जीरो, कहीं पे नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको मेजॉरिटी ऑफ पेजेस ऐसे मिलेंगे, मेजॉरिटी ऑफ पेजेस ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर वो एग्जैक्ट मैच कहीं पे अवेलेबल नहीं होगा, राइट, जहां पे वो एग्जैक्ट मैच कहीं पे। सो यहां से क्या बात साबित होती है, इस सारी चीज से मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था कि अपनी सोच को अगर आपने चेंज ना किया, क्योंकि सर्च इंजन के सिस्टम चेंज हो गए हैं, पिछले 4-5 सालों के अंदर सीवियर किस्म की अपडेट्स आई हैं, सीवियर किस्म के ऑल के चेंजेस हुए हैं, और सर्च इंजन ने अपने पूरे सिस्टम को यू नो एक 360 एंगल के ऊपर बिल्कुल ही चेंज कर दिया। कि पहले क्या होता था, कि पहले जरूरी होता था जी कि आपने अपने टाइटल के अंदर अगर कीवर्ड ना डाला तो आपको फांसी चढ़ा दी जाएगी, अगर आपने अपने कॉन्टेंट के पहले पैराग्राफ के अंदर 3 दफा कीवर्ड को ना डाला तो आप मर जाएंगे, ऐसे ही है, ऐसे ही होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या सीन है कि भाई आपको जरूरत नहीं है बार बार अपने कीवर्ड को जगह जगह पे घुसाने की, राइट। इफ योर कंटेंट इज गुड इनफ, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपने नेचुरली लिखा हुआ है, आपने उसके अंदर काफी क्वेश्चंस का जवाब दिया है जो क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड हैं, दैट इज मोर देन इनफ, यू डोंट नीड टू स्टफ योर कीवर्ड अगेन एंड अगेन इन योर टाइटल, इन योर स्लग, इन योर फर्स्ट पैराग्राफ, पिक्चर्स डाल रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, बार बार कीवर्ड डाल रहे हैं किसी ना किसी तरीके से कि जी एक कीवर्ड मेरा वो पहचान ले। हालांकि वो कहता है कि निकले, वो कहता है अगर आपने कीवर्ड स्टफिंग किया तो यू आर, आई एम योर एनिमी, वेरी सिंपल, अगर आपने कीवर्ड स्टफिंग की हुई है तो आई एम योर एनिमी। एनीवेज, हमिंगबर्ड, समझ आया हमिंगबर्ड क्या है? समझ आ गया हमिंग बर्ड का। अच्छा, अब हमिंग बर्ड का समझाने का पर्पस क्या था कि जो वॉइस सर्च है, वॉइस सर्च जो हमारा टॉपिक है, वॉइस सर्च और हमिंग बर्ड एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, ओके। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब मैं अपने अपनी वॉइस में कुछ भी बोलूंगा तो हमिंग बर्ड ने उस वर्ड का मतलब ढूंढना है, उस वर्ड को नहीं ढूंढना, ओके। अगर मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेस्ट फीचर ऑफ आईफोन एक्स, तो वो ये नहीं देखेगा कि उसने कोई ऐसा पेज हमारे सामने नहीं लाना जिसके ऊपर वो ये फिक्रा या ये वर्ड वहां पे प्लेस हुआ उस पेज के ऊपर। उसने ये देखना है कि कौन सी ऐसी साइट्स है जिन्होंने इनके फीचर एलैबोरेट किए हुए आईफोन एक्स के, वो ऐसा रिजल्ट आपको सामने ला के देगा जिसके ऊपर आईफोन एक्स के फीचर एलैबोरेट हुए होंगे, ना कि ये पूरा वर्ड वहां पे बार बार प्लेस हुआ होगा, ओके। सो हमिंग बर्ड समझाने का मतलब क्या था कि अगर हमारे टाइप करने के अंदर इंटेंट का ख्याल रखा जाता है सर्च इंजन की तरफ से, तो हमारे बोलने के अंदर भी इंटेंट का ख्याल रखा जाता है। इट मींस हमिंगबर्ड इज वर्किंग अलोंग विद
वॉइस सर्च, ओके। अपने लिसन, जितने भी लोग बैठे हैं ना लिसन, अपने क्वेश्चंस होल्ड करके रखें, यू डोंट नीड टू वरी, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, ओके, वंस द लेक्चर इज ओवर, वंस द वेबिनार इज ओवर, ओके। यू डोंट नीड टू राइट और यू डोंट नीड टू आस्क योर क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अच्छा, अब कितनी ऐसी डिवाइसेस हैं, इतनी ऐसी डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जिनके थ्रू हम अपनी वॉइस के अंदर सर्चेस करते हैं या अपनी वॉइस के थ्रू अपने आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो जो काफी फेमस हैं या जो हमारे सामने हैं, विजिबल है हमारे सामने, वो तकरीबन 3 या 4 हैं मेन। सबसे पहली तो यही चीज जो गूगल हमारे सामने है, कि गूगल में ये माइक छोटा सा बना हुआ आ रहा है, दिस इज, जब आप इसके ऊपर लेके जाते हैं वो बता भी रहा है सर्च बाय वॉइस, ठीक है। दूसरी यू नो एप्पल सीरी, ओके, हमने देखा होगा अक्सर वीडियोस में भी देख रहे होते हैं, अक्सर यू नो कोई मीम्स बनी होती हैं उसके अंदर भी आ रहा होता है कि जी हम सीरी को कुछ बोला जा रहा होता है और वो आपको उसका आंसर ढूंढ के दे रही होती है। इसी तरह से फिर एक चीज है अलेक्सा, राइट। इसी तरह फिर एक गूगल असिस्टेंट जो हमारे मोबाइल के अंदर भी होता है, ठीक है, एंड्रॉयड के अंदर या गूगल फोन्स के अंदर होता है, ठीक है। इसी तरह से फिर एक हमारे डेस्कटॉप में भी होता है जो बिल्ट इन होता है डेस्कटॉप में, ये तो हमारे ब्राउजर के अंदर है ना, गूगल के अंदर ये ब्राउजर है और फिर ये आ रहा है। इसी तरह से एक हमारे ये जो माइक बना हुआ है ये हमारे पीसी के अंदर होता है कोर्टाना, ओके। एंड द पर्पस ऑफ ऑल दीज गूगल ऑल दीज वॉइस असिस्टेंट इज टू मेक योर वर्क इजी, मेक योर यू नो द वर्क और द ड्यूटी ऑफ दीज असिस्टेंट इज टू फाइंड द आंसर व्हाट यू आर टेलिंग इट टू, ओके। अब अगर देखा जाए, अब क्या ये सारी चीजें या जितने भी असिस्टेंट हैं ये सारे अपना डाटा गूगल से लेते हैं? द आंसर इज नो। सीरी के अपने डाटा सेंटर्स हैं, ओके, यू नो कोर्टाना के अपने डाटा सेंटर्स हैं, इसी तरह से अलेक्सा, अमेजोन के अलेक्सा, इसके अपने डाटा सेंटर्स हैं जहां से ये, यानी कि बताने का मकसद ये है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जितने भी ये वॉइस यू नो असिस्टेंट्स हैं इन ये सारे के सारे अपना डाटा गूगल से उठाते हैं, जिस तरह से हमने गूगल के अंदर टाइप किया और गूगल ने हमें रिजल्ट दिखा दिया, ऐसा नहीं है। सीरी जो है वो एप्पल सीरी, दे कलेक्ट देयर डाटा फ्रॉम आई थिंक बिंग एंड येल्प, ओके, एंड यू नो जब भी उनसे कोई क्वेश्चन किया जाता है या कोई भी उसमें सीरी को कुछ भी पूछा जाता है या बोला जाता है, तो वो अपना डाटा इन सारी चीजों से यू नो लिया जाता है, यू नो इन सारी इन डाटा सेंटर से, जो येल्प का डाटा सेंटर है या यू नो बिंग का डाटा सेंटर है, वहां से इन चीजों के आंसर लिए जाते हैं, ठीक है। गूगल ऑलमोस्ट अपने सारे आंसर्स, अपनी सारी असिस्टेंट जो है वो अपने रिजल्ट से लेता है, यानी कि जो गूगल के ये रिजल्ट आ रहे हैं, जब भी हम कोई चीज असिस्टेंट में बोलेंगे या यहाँ पे माइक के थ्रू बोलेंगे, तो इसने जो भी करना है वो इसने गूगल से सारे आंसर्स लेके हमारे सामने बेस्ट आंसर प्रेजेंट करना है, ओके। अकरम अली, आई थिंक आई हैव टू यू नो सेंड यू समवेयर, यस यू गॉन, थैंक यू। गॉट इट, क्लियर हो गया, ओके। अब हम मूव करते हैं, अब हम मूव करते हैं अपने इन चीजों को, इन चीजों की ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, ठीक है। हम अपने अपने असल टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा असल टॉपिक क्या है कि किस तरह से हमने, अब हमें यह पता लग गया कि अच्छा वॉइस सर्च होती क्या है, वॉइस सर्च किस तरह से काम करती है। अब हमने अपने यू नो अपने डग, यू कैन पी एम एम, ऑलराइट, यू कैन पी एम एम ऑन फेसबुक।
अब क्योंकि हमें ये सारी चीजें समझ आ गई हैं, अब हमने इन चीजों को अपनी साइट को इस काबिल कैसे बनाना है कि वॉइस सर्च के ऊपर हमें ट्रैफिक लेके आए, राइट? वो वॉइस सर्च के ऊपर हमें ट्रैफिक लेके आए, ओके? यस, मेरा मेरा ख्याल है जूम की लिमिट जो है वो 100 है, मैंने इसको एक्सटेंड करवाना है बट मैं जल्दी में नहीं करवा सका, आई विल एक्सटेंड इट, सो नेक्स्ट टाइम से होपफुली आप लोगों को नहीं होगा, और ये जितना भी ये वेबिनार्स का सिलसिला अब ये चलता रहेगा होपफुली। अब ये हमें ये समझ आ गया कि जाहिर सी बात है जब हम यहाँ पे कुछ बोलते हैं, जैसे लेट से मैं यहाँ पे एक चीज बोलता हूँ विच इज बड़ी बड़ी फेमस रही है, टेल मी द एजेस ऑफ गूगल, सॉरी टेल मी द एजेस ऑफ गेम ऑफ थ्रोन कास्ट, you can see how this is working, how this is working, right? You just have to speak, aapne sirf aur sirf bolna hai, right? Aur usne aapko wo sari ki sari information aapke samne laake de deni hai. This is how this search transformation is coming into you know in front of us in coming years. I don't think so. Maximum 2 years, 3 years, and this whole thing will be changed completely. I personally think. Okay. क्यों हमारे, अगेन मैं ये बात करूंगा, हमारे यहाँ पे ईस्ट यू नो मिडल ईस्ट कंट्रीज में शायद इस चीज का भाई, नो दिस इज नॉट द एंड ऑफ SEO, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा इन SEO. Right? I am telling you how you can take the maximum benefit of this technology to optimize your sites for the purpose of voice search. Okay? मैं आपको ये बता, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं SEO का एंड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि SEO मजीद कितनी इंप्रूव होने जा रही है. Okay? ठीक है, अच्छा अब हमें ये समझ आ गई, राइट? चीजें हमारे सामने हैं. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू लुक फॉर द वॉइस सर्च? जो अभी तक जो हमने किया है, अभी तक जो हमने किया है या डिस्कस किया है, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है वो क्या चीज है? टेल मी. नो, जो चीज हमारे सामने है इस वक्त, अभी तक किसी ने भी जवाब दिया, हमारे सामने है इस वक्त कीवर्ड, राइट? कीवर्ड नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि वॉइस सर्च के अंदर हमेशा एक थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस यूज किया जाता है, जिसको आप लॉन्ग टेल भी कह सकते हैं, बट ये सिर्फ लॉन्ग टेल में नहीं होता ये, क्योंकि हम उससे कुछ पूछ रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उससे कुछ सजेशन मांग रहे होते हैं, ठीक है? इसको बेसिकली बोलते हैं कन्वर्सेशनल क्यूरी, कन्वर्सेशनल वर्ड्स, ओके? इसका मतलब ये होता है क्योंकि हम एक बंदे से बात कर रहे हैं, अपनी वॉइस में बात कर रहे हैं ना, राइट? जब हम अपनी बात में वॉइस अपने अपनी वॉइस में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम उससे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम अपने किसी दोस्त से बात करते हैं, यार वो मुझे ये देना, यार वो मुझे ये दिखाना, राइट? इसको किसी गलत साइड पे ले जाने की कोई भी कोशिश ना करे, इसका मतलब यह है कि हम इसी तरह से बात करते हैं आपस में, राइट? तो जब हम अपने किसी दोस्त से बात करते हैं या किसी फैमिली मेंबर से बात करते हैं, अपने कलीग से बात करते हैं, तो हमारा जो हमारी जो टून होती है वो ऐसी नहीं होती कि हम वो कोई चीज ऐसी टाइप कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपने दोस्त से बात करनी होगी तो उससे मैं ये कहूंगा वेट लॉस पॉइंट्स या वेट लॉस जर्नी, मैं उसे पूरे तरीके से उसे पूछूंगा, यार व्हाट इज योर वेट लॉस जर्नी, टेल मी अबाउट योर वेट लॉस जर्नी, तुमने ये वेट लॉस कैसे किया, राइट? ऐसा ही है, ठीक है? तो इनको बोलते हैं कन्वर्सेशनल वर्ड्स, कन्वर्सेशनल टून,
ठीक है, और इस टून को अडॉप्ट करता है हमारा हमिंग बर्ड, राइट, और हमारा हमारी साइट, बताना ये चाह रहा हूं आपको। अब जो इसमें सबसे रोल प्ले, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है, वो आपके इन क्यूरीज का हो रहा है, इन वर्ड्स का हो रहा है, राइट, इन क्वेश्चंस का हो रहा है जो हम इनसे पूछ रहे हैं, और ये हमें इन चीजों का आंसर दे रहा है। दी बताना ये चाह रहा था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन जिन लोगों ने मेरे शायद प्रीवियस वेबिनार्स लिए हों उनको ये आइडिया होगा कि कीवर्ड रिसर्च हमने काफी डेप्थ में की हुई है, खैर प्राइवेट ट्रेनिंग के अंदर तो और भी ज्यादा डेप्थ में की हुई है, लेकिन जो हमने प्रीवियसली पहले पब्लिक वेबिनार्स किए थे फ्री के अंदर, उसके अंदर भी हमने काफी डिटेल में किया था, राइट। द पॉइंट आई वॉन्ट टू रेज हियर इज दैट हाउ इंपॉर्टेंट यूर कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस इज, ओके। If you are not looking for these kind of keywords, these type of keywords in your keyword research process, then you are wasting potential. Okay? You are wasting your time maybe. All right? The first thing you need to do is, you know, rephrase or, you know, revamp your keyword research strategy. आप पहले क्या करते थे कीवर्ड रिसर्च के अंदर, आप गए, आपने एक कीवर्ड डाला, आपने इसके चार पांच कीवर्ड सिलेक्ट किया और उसके ऊपर जाके कंटेंट लिख दिया, that's it. यही प्रोसेस है ना, 99% लोगों का यहां पे यही प्रोसेस होगा, ऐसे ही है। बट लेट मी टेल यू समथिंग विच विल यू नो चेंज योर होल परसेप्शन और होल मेथोडोलॉजी अबाउट दिस प्रोसेस। इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर द क्वेश्चंस दैट योर ऑडियंस इज आस्किंग, you are not creating a powerful piece of content. Imagine करें कि आपकी एक साइट है और उसके ऊपर आप वेट लॉस से रिलेटेड कॉन्टेंट लिखते हैं, आपने एक पीस ऑफ कॉन्टेंट लिखा है जिसका टॉपिक है हाउ टू लूज वेट, ओके, और आपने उसके ऊपर दो तीन कीवर्ड्स निकाले और किसी का कॉन्टेंट देख के अपने सामने कॉन्टेंट अपने फाइनल कर लिया है कि ये मेरा 500, 600, 700 वर्ड्स का पीस ऑफ कॉन्टेंट है जो ओके हो गया, राइट। इमेजिन करें कि एक बंदा है या एक लेट से एक फीमेल है जो थोड़ी सी एज में ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 40+ है, राइट, वो गूगल में इस कीवर्ड की बजाय, पहले तो ये कीवर्ड होगा ना कि हाउ टू लूज वेट, राइट, ये हमारा टॉपिक है, और अगर हमने टिपिकल वे में इस टॉपिक को अपनी साइट के ऊपर कवर किया हुआ है और एक बंदा आके या वो बीबी आके वो ये टाइप करती है कि हाउ टू लूज वेट For 40+ years women, right? अगर वो ये टॉपिक या इस कीवर्ड के ऊपर आके करती है, अब ये टॉपिक हमारे टॉपिक से मिलता है या ये क्यूरी हमारे टॉपिक से मिलती है? मिलती है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपना कीवर्ड सामने रखते हुए हाउ टू लूज वेट के ऊपर मैंने टिपिकल टाइप ऑफ कंटेंट लिख दिया, मैंने अपनी रिसर्च नहीं की, ना मैंने ये देखा कि अच्छा इसके अंदर कुछ ऐसी ऑडियंस भी है जो 40+ इयर्स की होती है, ऐसी ऑडियंस भी है जो बिगिनर या एडल्ट अभी मतलब बड़ी बिगिनिंग एज में होते हैं, उनके लिए भी ये मसले है, यानी कि मैंने अपनी ऑडियंस के जो क्वेश्चन थे या मेरी ऑडियंस के जो प्रॉब्लम थे उनको मैंने फाइंड नहीं किया अपना कॉन्टेंट ऑप्टिमाइज या प्लान करते हुए, ऐसा ही है ना। So, फिर क्या होगा कि फिर जो बंदा ये कीवर्ड टाइप करके आ रहा है, हो सकता है कि आपकी साइट सामने आनी हो लेकिन आपकी साइट के अंदर अगर ये क्वेश्चन या ये पॉइंट कवर नहीं है तो वो किस साइट के ऊपर जाएगा या गूगल कौन सी साइट दिखाएगा जिसके ऊपर ये पॉइंट क्लियर होगा। वेरी सिंपल, राइट। सो इसका मतलब ये है कि आपने हाउ टू लूज वेट के ऊपर टॉपिक तो लिख दिया, आपने हाउ टू लूज वेट के ऊपर अपना एक आर्टिकल तो लिख दिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मैं हाउ टू लूज वेट के अंदर मजीद कितने एंगल्स हैं जिनको अपने पीस ऑफ कंटेंट के अंदर कवर कर सकता हूं। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर वॉइस सर्च कम्स इनटू एक्शन। वॉइस सर्च के अंदर नॉर्मली 99% सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मैं अपना मोबाइल उठाऊंगा और मैं मोबाइल पर कहूंगा गूगल टेल मी व्हाट इज द बेस्ट फीचर ऑफ आईफोन एक्स,
राइट right? मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ना, या मैं उसे कहूंगा कि व्हाट इज द बेस्ट इलेक्ट्रिक शेवर टेल मी, राइट। और वो मुझे आंसर मेरे सामने ला के रख देगा कि ये हमारे हमारी सजेशन में या हमारी फाइंडिंग के हिसाब से ये जो है बेस्ट इलेक्ट्रिक शेवर्स हैं, और ये हमारे सामने जो है वो आईफोन एक्स की फीचर्स हैं। अभी सब शहीर, अभी अभी रुको, चलते हैं, चलेंगे, ट्रस्ट मी। बड़े दिनों बाद आया हूं, हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि अच्छा यार, सबसे पहली चीज अपनी साइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, हमें वो क्वेश्चन चाहिए जिनको लोग बोल के अपने आंसर्स फाइंड करते हैं, राइट। अब वो हर टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, क्या वेट लॉस हो, क्या कोई प्रोडक्ट हो, क्या कोई मतलब कोई गाइड हो, कोई बाइंग गाइड, व्हाटएवर, कोई भी चीज हो। आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश एज वेल, यार ऐसे ना बोलो, जब मैं इंग्लिश थोड़ी सी बोलता हूँ तो वो कहते हैं उर्दू में बोल लो, जब मैं थोड़ी सी सारी उर्दू बोल रहा होता हूँ फिर कहते हैं इंग्लिश भी बोल लें। राइट, सो बताने का मकसद, आपको वॉइस सर्च का पता लग गया, आपको ये पता लग गया कि ये हमिंग बर्ड के साथ काम करता है, आपको ये पता लग गया कि अच्छा ये बंदे बोल के बोलते हैं, तो जब बोल के वो कोई चीज फाइंड करते हैं तो वो नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं, राइट। ये क्वेश्चंस आपने ढूंढने होते हैं, किस तरह से ढूंढने होते हैं उसको भी हम आगे कवर करेंगे, बट इससे पहले एक चीज अपने माइंड से ना निकाल दें। मुझे पता है यहाँ पे काफी सारे जो है वो यू नो टार्जन होंगे जो ये सोच रहे होंगे, अच्छा यार ये तो बड़ा आसान है, फिर इसका मतलब है हम अपनी साइट के ऊपर ये सारी चीजें लगाएं और हमारी साइट रैंकिंग में आना शुरू हो जाएगी, वाओ। ऐसा कुछ नहीं है, रुक जाओ, थामो, राइट। द गेम इज, अगर आपकी साइट बिल्कुल न्यू है, उसकी कोई पावर नहीं है, उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, और आप उसके ऊपर ये सारी चीजें कर लेते हैं, नो डाउट आपको बेनिफिट तो होगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं यार मैं ये कर रहा हूं और ये करने के बाद मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, तो ये बेवकूफी है। ऑलराइट, आपकी साइट की स्ट्रेंथ क्या है, अथॉरिटी क्या है, आपकी साइट के ऊपर कितना मजीद क्वालिटी कॉन्टेंट है, आपकी साइट ऑलरेडी कितने कीवर्ड्स के ऊपर रिजल्ट लेके आती है या नहीं आती सर्च इंजन से, आपकी साइट की साइट स्पीड क्या है, आपकी साइट मोबाइल ऑप्टिमाइज है या नहीं, ये सारी चीजें अपनी जगह पे अपना रोल प्ले करती हैं, राइट। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस तरह से आपने, अगर आपकी साइट आप बनाना चाह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, उसके ऊपर आप क्या चेंजेस कर सकते हैं इन चीजों को सामने रखते हुए, जिससे आपकी साइट कुछ नहीं तो कुछ नहीं, इतना मुझे पता है कि 20-30% मोर जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देगी। ओके, व्हाई? एक तो एक और चीज, या तो आप सिर्फ एक चीज को इंडिया में टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका मूवीज का नीच है, आपका फॉर एग्जांपल किसी यू नो किसी गेम का नीच है, आपका किसी ऐसी चीज का नीच है जो इंडिया में बड़ी पॉपुलर है या सिर्फ पाकिस्तान में बड़ी पॉपुलर है, तब तो समझ आती है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली लोग, जाहिर सी बात है, मैं मोबाइल उठा के ये तो नहीं कह सकता गूगल मेनू 10 के और मूवी कदों लगेगी, राइट, ये नहीं मैं कह सकता, वेरी सिंपल, नहीं कह सकता ना, राइट। बट इफ आई एम समवेयर वेयर यू नो आई स्पीक माय मदर लैंग्वेज व्हिच इज फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इट्स इंग्लिश और इट्स स्पेनिश और इट्स यू नो फ्रेंच व्हाटएवर इट इज, आई विल पिक अप माय सेल फोन एंड आई विल टेल गूगल Tell me where this movie is, you know, ek second rukiyega, right? So main ab utha ke bolta hu ki tell me ki ye movie jo hai wo kidhar lag rahi hai, so it will tell me the answers, right? Or for example you can say, कि मैंने अभी जाना है, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं और मैं कहूँ मोबाइल उठा के जी क्या मेरी यहाँ पे रिजर्वेशन हो सकती है, पाकिस्तान के अंदर तो ऑब्वियसली मुझे बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होगा इस चीज़ को करने में, लेकिन जो मॉडर्न कंट्रीज होते हैं जहाँ पे नॉर्मली हम अपने अपनी साइट्स को टारगेट करते हैं, अमेरिका में, यूके में, कैनेडा में, एवरीवेयर, राइट, जहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज या यहाँ पे सोसाइटीज काफ़ी मॉडर्न हो चुकी हैं, वहाँ पे लोग अपनी बुकिंग जैसे करते हैं, वहाँ पे लोग आंसर जैसे फाइंड करते हैं, वहाँ पे लोग, राइट, और हम लोग कहां पे टारगेट करते हैं अपनी चीजों को, इन्हीं कंट्रीज में,
ऐसा ही है ना, इन्हीं कंट्रीज में करते हैं। इन्हीं कंट्रीज में करते हैं ना। या इट इज सॉरी राइट। सो कीवर्ड रिसर्च राइट, वी नीड टू फाइंड दिस काइंड ऑफ क्यूरीज। हाउ टू यूज देम इज अ डिफरेंट थिंग, आई विल टेल लेटर एट हाउ टू यूज इट। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, के हाउ टू फाइंड दिस काइंड ऑफ क्यूरीज, द फर्स्ट थिंग इज के हमें ये पता लगे कि भाई ये कीवर्ड्स निकलने कहाँ से हैं, ये कीवर्ड्स आने कहाँ से हैं, और फिर इन कीवर्ड्स को यूज कैसे करना है, कहाँ पे करना है, किस शेप में कर सकते हैं। ओके तो हम इस चीज को प्रॉपरली कवर करेंगे। बट इससे भी पहले लेट्स डिफरेंट अदर एंगल्स एज वेल। ओके कीवर्ड रिसर्च को हम जरा थोड़ा सा बाद में करते हैं, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग, तो मैं यहाँ पे सारी करके दिखाऊंगा। बट इससे पहले इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं, या इसके अलावा और कौन सी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं जो हमें सामने रखनी पड़ती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आज भी लोग डिनाई करते हैं, जिसको आज भी लोग इतना एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज या तो उन्होंने ऐसे कंट्रीज के अंदर किसी चीज को टारगेट नहीं किया होता, या उनका वाइस से कोई लेना देना नहीं होता, या फॉर एग्जांपल वो एक देसी नीच को टारगेट कर रहे होते हैं जिससे मतलब कोई इतना ज्यादा यूजर एक्सपीरियंस का लेना देना नहीं है। ओके वालेकुम सलाम काशिफ। तो सबसे पहली चीज, वॉइस सर्च ज्यादातर किस चीज के ऊपर यूज होती है, एनीवन, किस डिवाइस के ऊपर ज्यादातर वॉइस सर्च यूज होती है? यस, नॉर्मली मोबाइल डिवाइसेस ज्यादातर राइट, या अगर हम बाहर देखें तो अलेक्सा एंड देन यू नो गूगल असिस्टेंट राइट, बट ज्यादातर हमें मोबाइल के ऊपर ज्यादातर यूज होती है राइट। सो अगर आपकी, अब ये जरा सुनने वाली बात है, बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि इफ वॉइस सर्च इज बीइंग कंडक्टेड ऑन अ मोबाइल, ओके, देन अगर आपकी साइट ही मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपकी साइट वॉइस सर्च के ऊपर आएगी? मतलब बताने का यह है कि मैं अपनी साइट को आज वॉइस ऑप्टिमाइज बनाना शुरू कर दूं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैंने पीछे किया हुआ है, वो क्या चीज है कि उस साइट ने मोबाइल के ऊपर अपेयर होना है, किसी बंदे ने अपना मोबाइल उठाना है, वॉइस सर्च करनी है और मेरी साइट ने अपेयर होना है, ठीक है, लेकिन मैंने उस चीज का ख्याल ही नहीं रखा, मैं बाकी चीजों के चक्कर में पड़ा हूं राइट। सो द फर्स्ट थिंग व्हेन समवन पिक्स अप हिज मोबाइल एंड यू नो स्पीक समथिंग, अ क्वेश्चन, और मे बी आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ प्लेस वेयर ही कैन यू नो हैव अ कॉफी, ही विल पिक अप हिज मोबाइल and I will say something, what is the nearest coffee shop right, and lekin agar wo cheez ya wo site ya wo business mobile ke upar aane ke kabil hi nahi hai, jise hum mobile optimize kehte hain ya mobile version kehte hain aapki site ka, to wo show karega search engine, google show karega, imagine kare right। so the first thing is what you need to check कि क्या आपकी साइट मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है, एंड इट इज वेरी सिंपल टू चेक राइट। आपने जस्ट यहाँ पे चेक करना है मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट राइट। काफी सारे टूल्स हैं, बट गूगल का अपना ये टूल है, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे बता दिया, अगर आप वैसे देखना चाह रहे हैं तो आप इस जगह से भी चेक कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इस मोबाइल को उठाता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि क्या ये साइट या ये साइट जो है मोबाइल ऑप्टिमाइज है या नहीं है। ओके मैंने यहाँ पे जस्ट ये यूआरएल टैप करना है, टेस्ट यूआरएल, और ये मुझे बता रहा है कि मैं स्पैमर हूँ। थैंक यू राइट। ये इस तरह से टेस्ट आपका शुरू होगा, और ये मुझे क्या बता रहा है यहां पे, पेज इज मोबाइल फ्रेंडली राइट। ऐसा ही है, अगर यहां पे ये लिखा हुआ आ रहा हो कि आपका पेज मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, क्या वो वॉइस सर्च के लिए हो सकता है ऑप्टिमाइज्ड?
साइट वो आप वॉइस सर्च के लिए हो सकती है? नो, राइट? द फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट योर साइट विच यू आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज फॉर वॉइस सर्च हैज टू बी मोबाइल फ्रेंडली. इफ इट्स नॉट मोबाइल फ्रेंडली, हाउ द हेल इट इज गोइंग टू अपेयर ऑन अ मोबाइल डिवाइस when someone is doing voice search, right? Okay, so the and let काफी लोग सोच रहे होंगे कि इसका solution क्या है. काफी लोग सोच रहे होंगे, no Rizwan, it is not allowed. Please don't spoil the you know the environment. Please, you can take your notes, have a copy pen and take down the note down the important points. Very simple, right? So अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है, कि अगर हमारी साइट मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो इसका मतलब है हम तो इसको कोई फायदा नहीं उठा सकते. मैं एक वर्ड है जो मैं अपने ट्रेनिंग्स के अंदर अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे जो बैच के लोग बैठे हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बैच के काफी लोग यहाँ पे बैठे हुए होंगे. वट इज दैट वर्ड? इनसे पूछता हूँ, वट इज दैट वर्ड? बाकी लोगों को समझ आ गया हो कि मैं क्या बोलता हूं? ये सारे लोग जो हैं ये मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच के स्टूडेंट्स हैं, राइट? इनको पता है मैं क्या बोलता हूं. आई यूज टू कॉल पीपल अन्नी वैगन. व्हाट इज दैट अन्नी वैगन? अ ब्लाइंड ट्रॉली, अ ब्लाइंड ट्रैक्टर, अ ब्लाइंड वैन विदाउट हेडलाइट्स. ओके, ब्लाइंड रूस्टर. या okay, hold on. So if your site is not mobile friendly, then it is very simple. You have to select a theme, a WordPress theme, or wherever your site. Agar to wo log you know custom hai, HTML design hai, ya koi custom design hai, to aapko uska mobile friendly version ya to banwana padega. Ya agar aap WordPress use karte hain, to uska bada simple sa solution hai ki aapko aisi theme select karni padegi jo मोबाइल फ्रेंडली है, राइट? और एंड देर आर मैनी गुड थीम्स अवेलेबल. आप जेनेसिस ले लें, आप बी थीम ले लें, आप न्यूज पेपर थीम ले लें, आप माई थीम शॉप की इतनी ऑप्टिमाइज वेल ऑप्टिमाइज थीम्स हैं. ओके, आप उनमें से कोई थीम उठा सकते हैं, राइट? इट इज वेरी सिंपल. ये आपका एक पॉइंट तो मेरा ख्याल है 5 से 7 मिनट की गेम है कि आप अपने इस पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं कि योर पेज हैज टू बी मोबाइल फ्रेंडली. वेरी सिंपल. ओके, जस्ट चेक योर थीम, जस्ट चेक योर साइट. आपकी साइट का यू आर एल है, यहाँ पे टाइप करें कि आपको बताएगा अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो चेंज कर लें थीम, अपनी साइट पूरी थीम अपने डिजाइन चेंज कर लें, राइट? कोई ऐसी थीम लगाएं जो मोबाइल फ्रेंडली हो, बिकॉज अगर आपकी थीम मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, इट इज वेरी बैड फॉर यूर साइट हेल्थ. वेरी बैड. क्लियर? कुछ लोग तो मुझे लगता है यहाँ पे वली में भी आए हुए हैं बाबा. ऐसा मुझे लगता है, माइट भी गलत लगता हो, बट ऐसा मुझे लग रहा है. द सेकेंड थिंग एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल, अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल आप लेट्स से कि आप किसी कंट्री में या किसी अपने ही कंट्री में आप कोई आई थिंक वैसे इंडिया के अंदर एक निच बड़ा फेमस है पैकिंग का, राइट? पैकर्स का, ऐसा ही है? पैकर्स का निच इंडिया में बड़ा फेमस है, मूवर्स एंड पैकर्स. कोई मुझे कंफर्म करेगा फ्रॉम इंडिया? यस, वेरी कंपेटिटिव एज वेल, राइट? इट्स इन इंडियन मार्केट, इट्स वेरी कंपेटिटिव. नॉट इन द इंडियन मार्केट,
इट्स वेरी कंपेटिटिव एंड वेरी फेमस नीच इन मेनी अदर मार्केट्स एज वेल. ओके, यानी कि आपने अपने घर की शिफ्टिंग करनी है तो आप किसी कंपनी को कॉल करते हैं, वो आपका सामान पैक भी करते हैं, शिफ्ट भी करते हैं, एवरीथिंग इट्स इन देयर हैंड. ओके, इट्स इन देयर हैंड. ठीक है, तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है, आपकी कोई कॉफी शॉप है, आपका कोई प्लम्बिंग की सर्विस है जो आप अपने सिटी में देते हैं या अपने स्टेट में देते हैं, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से ये इस नीच की सर्विसेज देते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज योर लोकल बिजनेस एज वेल. बिकॉज नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा सर्चिज होती हैं, सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकता बट आई थिंक 20-30% जो सर्चिज होती हैं वो लोकल सर्चिज होती हैं वॉइस के थ्रू. किसी ने अपनी कोई रिजर्वेशन करवानी होती है, किसी ने अपनी कोई टिकट बुक करवानी होती है, किसी ने यू नो किसी को गेस्ट आ रहे होते हैं, यू नो होटल नियर मी, कॉफी शॉप नियर मी, प्लम्बिंग सर्विस नियर मी, बार्बर नियर मी, राइट. तो इस तरह से लोग बोल के पूछते हैं गूगल से, लेट्स से व्हाट राइट नाउ आई एम यू नो इन मुल्तान, तो इट विल बी इन पाकिस्तान, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कोई ऐसी चीज शोर नहीं होगी, आई एम प्रीटी श्योर, राइट. बट you ha yes ande wala burger near me, of obviously how can I forget ande wala burger near me, yes. So normally log ya banks near me, right, hotels near me, is tarah se log apne local business ko optimize karte hain. ab local business ka main yahan pe local business ke bare mein ya local seo ke bare mein zyada baat karne aaya nahi tha, lekin fir bhi voice search mein aapka local business bada important role play karta hai. aapko zyada kuch itni zyada efforts karne ki zarurat nahi hai. agar aapka koi local business hai उसके अंदर आप अपनी गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग करें, ठीक है, येल्प के ऊपर लिस्टिंग करें, जो फेमस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो लोकल बिजनेस के लिए बने हुए हैं, वहां पे अपनी लिस्टिंग करें, जो आपके फॉर एग्जांपल कुछ लोकल डायरेक्टरीज भी होती हैं, वहां पे अपनी लिस्टिंग करें. लिस्टिंग का मतलब है आपको वहां पे अपनी साइट ऐड करनी पड़ती है, उसकी डिटेल लिखनी पड़ती है, एड्रेस लिखना पड़ता है, ओपनिंग आवर्स, क्लोजिंग आवर्स, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू मेंशन. एंड यू हैव टू मेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स ऑन योर साइट एज वेल. एक आपका बिजनेस है, आपने उस बिजनेस के लिए अगर येल्प के ऊपर फॉर एग्जांपल येल्प क्या है, लेट मी टेल यू व्हाट इज येल्प, राइट. अभी बात समझ आई है इसकी, कोई बीबी कुछ बोल के गई है. राइट, अच्छा आपको आवाज नहीं आ रही होगी बट यहाँ पे इसने मुझे काफी शो जो है वो बताया है कि जी हेल्प क्या है, एक बिजनेस डायरेक्ट के जहाँ पे आप अपने बिजनेस को जो है वो लिस्ट कर सकते हैं. ओके, सो आपको ऐसी साइट्स के ऊपर अपने बिजनेस को लिस्ट करना पड़ता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लोकल बिजनेस. ओके, आपकी कोई कॉफी शॉप है, आप हेल्प के ऊपर जाते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, वहां पे अपनी लिस्टिंग करते हैं अपनी कॉफी शॉप की, उसका एड्रेस डालते हैं, गूगल के ऊपर जाते हैं, अपना मैप सेटअप करते हैं, गूगल के ऊपर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके ऑर्स, उसका फोन नंबर, ऑल द डिटेल्स, राइट. और वही सारी डिटेल आपको अपनी साइट पे भी डालनी पड़ती है फॉर द बेटर वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन. रिमेंबर दिस. ओके, आई एम नॉट हेयर टू टॉक अबाउट लोकल एसईओ, सो लीव दिस टॉपिक. ओके, इफ यू हैव अ बिजनेस, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू कैन ऑप्टिमाइज योर बिजनेस विद लोकल विद दीज लिस्टिंग्स एज वेल. ओके, then the next step after the mobile optimization or mobile, you know, mobile friendliness check, the second thing you need to do, ab iski example main is tarah se deta hu, dekhen main yahan pe abhi kitne second ke andar mujhe answer milega is baat ka, ye gaur karna hai aapne, gaur karna hai aapne. what is wikipedia, kitna time laga is answer ko aane mein, कितना टाइम लगा इस रिजल्ट को आने में, मुश्किल से 3 या 4 सेकंड मैक्सिमम, राइट. पॉइंट क्या है इसके अंदर, मैं आपको बताना क्या जा रहा हूं, पॉइंट क्या है इसके अंदर, पॉइंट है कि अगर ये रिजल्ट इतनी जल्दी आते हैं तो आपकी साइट जो आनी चाहिए वो कितनी तेजी जल्दी आनी चाहिए, यानी कि इस स्पीड का आपकी साइट की स्पीड से किस हद तक लेना देना. अगर गूगल इतनी जल्दी हमें रिजल्ट दे रहा है तो
तो आपकी साइट कितनी जल्दी लोड होनी चाहिए, ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है इस चीज का आपस में, राइट? सो व्हाट आई मीन टू से दैट यू मस्ट इंप्रूव योर पेज स्पीड टू ऑप्टिमाइज योर साइट फॉर वॉइस सर्च. ओके, राइट? आपकी अगर वर्डप्रेस की साइट है, बड़ा आसान सेटअप है आपकी, जस्ट एक वर्डप्रेस की साइट है, आपने उसके ऊपर एक अच्छी हेल्दी गुड फास्ट लोडिंग स्पीड थीम रखनी है, ठीक है? मैंने आपको कुछ थीम्स बताई हैं, मेरी नज़र में ये थीम्स बहुत अच्छी हैं और ज़बरदस्त डिज़ाइन हैं इनके, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. जेनेसिस थीम्स के काफ़ी अच्छे हैं, यू नो माई थीम शॉप की थीम्स हैं, सारी थीम्स वेल फास्ट लोडेड, मोबाइल के ऊपर भी, उसके ऊपर भी, ठीक है? और बी थीम और ई कॉमर्स की काफ़ी सारी थीम्स हैं. बी थीम, Genesis themes, My Theme Shop themes, right? Got it? इनके अंदर इतने designs available हैं कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज की तरफ जाने की, और ये सारी fast loading themes हैं. Second thing, आपने अपने कोई cache plugin install करनी है, अच्छी cache plugin, okay? Cache plugin, WP Rocket recommended है, W3 टोटल कैशे रिकमेंडेड है. मैं किसी दिन कोई शॉर्ट वीडियो या कोई शॉर्ट इस तरह की चीज बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज लाइव करके दिखाऊंगा जो हमने अपने सारे बैचेस के अंदर की भी थी, राइट? सो मैं किसी दिन कोई फ्री में इस तरह से मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा. इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई प्रचार करने बैठा हूँ कि मेरी जो है वो पेड ट्रेनिंग कोई ज्वाइन कर ले, मेहरबानी आके अगर करना चाहे तो, बट चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत प्रमोशन तो अलाउड होती है यार, ऐसी तो बात नहीं है यार, ये तो ज्यादती है. ओके, सो आपने कोई अच्छी कैशे थीम करनी है सेट, सॉरी कैशे प्लगिंग करनी है, WP रॉकेट इज रिकमेंडेड, W3 टोटल कैशे इज रिकमेंडेड, ठीक है? उसके बाद आपने कोई इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्लगइन करनी है, इमेजिफाई या WP स्मैश, ये दोनों प्लगइन्स बहुत अच्छी हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए. ओके, इनसे क्या होता है कि आपकी जो इमेज होती है आपकी साइट के ऊपर, कभी कभार आपकी इमेज का साइज बहुत बड़ा होता है, सही है? बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो वो लोड होने में टाइम लगता है, वो लोड होने में टाइम लगता है, तो इसका मतलब है आपकी साइट लेट लोड होगी अगर आपकी साइट के होम पेज पे पिक्चर हैं या ऐसी मतलब कोई इंटरनल पोस्ट है जिसके ऊपर 3-4 इमेजेस हैं, तो वो लेट लोड होगी, राइट? देन उसके बाद आपने अपने CSS HTML मिनीफाई करना होता है, बट ये सारी चीजें आपको नॉर्मली एक अच्छी कैशे प्लगइन के अंदर जो मैंने बताई है इनके अंदर अवेलेबल होती है, तो यू डोंट नीड टू डू इट मैन्युअली, राइट? और ये सिर्फ छोटी सी प्रैक्टिसेस करने से आप 30-40% आप अपनी साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके, ओके, लेट्स टेस्ट. अगर हम कहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं मैं वो भी बता देता हूँ, कैसे टेस्ट कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ. वेरी सिंपल, आपने जाना है गूगल पेज स्पीड, राइट? ये पहला रिजल्ट आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना, राइट? मैं इसी साइट को उठा के इसमें टेस्ट करता हूँ कि लेट्स सी हाउ स्पीडी दिस साइट इज. वैसे आई डोंट थिंक सो बिकॉज इट्स अ ब्रांड, तो इनको शायद इन चीजों की जरूरत ना पड़े, बट लेट्स सी. यस, इसकी मोबाइल के ऊपर थोड़ी सी खराब है, नो डाउट इसके ऊपर भी. और इसकी एक और रीजन ये भी हो सकती है कि इस वक्त जो है वो एड्स लोड हो रहे हैं इस साइट के ऊपर, एड्स है, तो उसकी वजह से भी ये काफी इसको स्लो दिखा रहा है, बट इतनी स्लो ये होगी नहीं फॉर श्योर. ओके, लेट्स सी, लेट्स टेस्ट दिस साइट. वैसे मुझे ये साइट भी, बिकॉज ये ब्रांड्स भी हैं तो इनको इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता इन चीजों से, बट हमारे जैसी साइट्स के लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. यस, हम GT मैट्रिक्स के ऊपर भी जाएंगे अभी. GT मैट्रिक्स ये भी इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं आप अपनी पेज की स्पीड. यही साइट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ. अब मैं यहाँ पे ये साइट ऐड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे अपना URL डालेंगे. ओके, ये साइट भी टाइम ले रही है काफी.
इसके ऊपर तो बहुत ही बकवास दिखा रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसी स्पीड होगी नहीं इसकी। बट क्योंकि मैं शायद इन बड़ी साइट्स को चेक कर रहा हूँ, इसलिए लेट्स टेस्ट दिस साइट, अपनी साइट को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तो बहुत बुरी दिखा रहा है इसकी हालत। ये देखें, ये हमारी एक साइट है, सही है स्पीड। सही है स्पीड। ठीक है, इसी तरह से ये देखें इसके ऊपर ये कैसे दिखा रही है। इस तरह से स्पीड होनी चाहिए आपकी, इस तरह से आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, ओके हो गया। यार मिनिमम टाइम कहते हैं कि कम से कम जो है वो 4 सेकंड होना चाहिए, लेकिन मैं 4 सेकंड से भी अगर आप इसको देखें तो ये कितना बता रहा है, ये कितना बता रहा है, 3 से 4 सेकंड मैक्सिमम होना चाहिए। ये 2 सेकंड बता रहा है यहाँ पे इस साइड का, ऐसे ही है यहाँ पे, ये 2 सेकंड बता रहा है इसका साइज, इसका टाइम, लोड टाइम, राइट। बट मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड मैक्सिमम, ओके 3 से 4 सेकंड के अंदर आपकी साइट लोड होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 या 4 सेकंड मैक्सिमम, ओके। इस तरह से आप अपनी साइट की स्पीड चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी साइट के अंदर इशू हो तो यहाँ पे ये इशू भी हाईलाइट करता है, ओके आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी चीज मजा आई मीन जो है वो इशू कर रही है, आप उसको फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये इमेज ऑप्टिमाइज दिखा रहा है, राइट। कभी कभी ज्यादातर जो आपको इशू नजर आएगा इमेज ऑप्टिमाइजेशन का नजर आएगा, आपकी इमेज का साइज काफी बड़ा होगा। साइट स्पीड शुड बी मैक्सिमम टू 4 सेकंड मैक्सिमम, ओके, बट इट शुड बी, आई पर्सनली रिकमेंड टू बी लोअर, ओके 2-3 सेकंड इज मोर देन इनफ, ओके। अब कुछ लोग ये सोचोगे कि अभी हमने उस साइट को, इस साइट को जो है वो किया था, आई थिंक इस साइट को rd.com को, तो इसको हम अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इट्स अ ब्रांड, इट्स अ अथॉरिटेटिव साइट, ओके। मेरे चैनल का नाम है उमर इन, ओके। वैसे तो साइट भी है लेकिन इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, जब टाइम मिलेगा इसके ऊपर कर लेंगे काम। इसका कैसे स्पीड टेस्ट कर लें, इसके ऊपर मैंने कंस्ट्रक्शन पेज लगाया हुआ आई थिंक, सही है मोबाइल के ऊपर। नहीं सही, मर्जी है, ऐसे करेंगे। ओके, व्हाट आई मीन टू से कि आपको अपनी साइट की ऑप्टिमाइजेशन, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर चलना जाना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज, ये तो हो गए 2 ऐसे फैक्टर्स जिनके ऊपर हमें किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक और बड़ा छोटा सा फैक्टर है, बड़ा स्मॉल फैक्टर है, बट इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर एज वेल। सर्च इंजन हमेशा वॉइस सर्च के ऊपर ऐसी साइट्स को दिखाना पसंद करता है जो SSL प्रोटोकॉल पे चलती हो। व्हाट इज SSL प्रोटोकॉल? जिनके ऊपर HTTPS प्रोटोकॉल लगा होता है, ठीक है। आजकल तो वैसे ही बड़ा आसान हो गया, आप फ्री के अंदर भी लगा सकते हैं, आप जो है वो अपनी होस्टिंग कंपनीज फ्री में प्रोवाइड करती हैं। आप क्या नाम है उसका, मेरे माइंड से निकल गया, क्या नाम है, हाँ क्लाउड फ्लेयर के थ्रू भी आप फ्री में लगा सकते हैं, राइट। सो ऑलवेज यूज SSL इफ यू आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज योर साइट फॉर वॉइस सर्च, ओके। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। कि सोचें कि वॉइस सर्च के ऊपर सर्च इंजन किसी ऐसी साइट को क्यों दिखाएगा जो किसी सेफ प्रोटोकॉल को यूज नहीं करती, दिखाएगा? राइट,
ऑलवेज यूज SSL प्रोटोकॉल. ये तो बड़ी छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल्स थी. इसके अलावा एक और टेक्निकल डिटेल है जिसको मैं यहाँ पे कवर अभी कर नहीं सकता. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो या आई विल मेक अ सेपरेट आई विल डू अ सेपरेट वेबिनार. वो है स्कीमा, राइट. अगर आपकी साइट के ऊपर अगर आपकी साइट स्कीमा ऑप्टिमाइज्ड है वो ज्यादा एज मिलेगा आपको वॉइस सर्च के अंदर विजिबल होने का. क्यों? क्योंकि स्कीमा के अंदर आप ऐसा मेटा डेटा प्रोवाइड करते हैं अपने अपनी साइट के ऊपर, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने कंटेंट से रिलेटेड या जो चीज आपने उसके ऊपर प्रेजेंट की होती है, जिससे सर्च इंजन को उस कंटेंट को समझने के लिए ज्यादा आसानी पैदा हो जाती है. ओके, उसको इतनी ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती समझने के लिए, बिकॉज आप ऐसे साइंस लगा देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये रिव्यू है या ये फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्टेंट रिटन कॉन्टेंट है, नॉर्मल कॉन्टेंट है, आर्टिकल है, इंफॉर्मेशनल कॉन्टेंट है, ठीक है, या एक वीडियो है या एक प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हैं. राना अबू बकर, आई कांट चेक योर साइट राइट नाउ, काइंडली इसको रोक के रखें प्लीज. सर इसमें तो कॉन्टेंट ही नहीं है. तो मैंने भी तो यही बताया कि इसमें कॉन्टेंट अभी है नहीं, मैंने पेज लगाया हुआ कोई दूसरा, मैंने भी शायद यही बताया. वही आपने मेरा ख्याल वो पार्ट छोड़ दिया था, कुछ और सुन लिया आपने, मर्जी है. नहीं ऐसे नहीं कहते किसी को, और मैंने मैंने शायद बताया था लेकिन शायद मैंने सुना नहीं. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ओके नाउ ओके ओके, हो सकता है आपने वो पार्ट ना सुना जिसके अंदर मैंने ये बात बताई है कि इसके ऊपर मैंने कंस्ट्रक्शन का पेज लगाया हुआ है अभी. अगर आपकी साइट के ऊपर स्कीमा रिक्वायर्ड है तो फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रिव्यूज की आपकी कोई साइट है, राइट. सो उसके ऊपर आप स्कीमा अप्लाई करें. इट्स बेनिफिशियल बिकॉज इट्स टेल यू नो इट्स टेल इट इजीली टेल सर्च इंजन दैट व्हाट योर कॉन्टेंट इज अबाउट, व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रेजेंट इन सर्च इंजन. ओके ओके, सो ये तो थे थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स जिनको जिनको सामने लाजमी रखना चाहिए बिफोर गोइंग फर्दर इनटू कीवर्ड रिसर्च एंड इंजेक्टिंग दोज क्यूरीज और इंजेक्टिंग दोज कीवर्ड्स इन योर कंटेंट. बट मैंने पहले भी शायद इसका जिक्र किया है, मैं दोबारा कर रहा हूँ, अगर आपकी साइट की कोई डोमेन की स्ट्रेंथ नहीं है, अगर आपकी साइट की डोमेन की कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिसेस करने के बाद बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी साइट वॉइस सर्च के ऊपर क्यूरीज लाना शुरू कर देगी, आपकी साइट वॉइस सर्च के ऊपर ऑप्टिमाइज हो जाएगी. बिकॉज अगर आपकी साइट की कोई वर्थ ही नहीं है, आपकी साइट के ऊपर कोई क्वालिटी कंटेंट प्रीवियसली यू नो हुआ ही नहीं है, अगर आपकी साइट के कोई मेट्रिक्स ही नहीं है, आपने कोई लिंक्स ही बिल्ड नहीं किए, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि सर्च इंजन आपकी साइट को टॉप पे दिखाना शुरू कर देगा? डज इट मेक एनी सेंस? कोई लॉजिक समझ आती है इसकी? एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा.
क्लियर? क्लियर है? सो इन सारी प्रैक्टिसेस को करते हुए आपने अपनी साइट की तरफ लिंक्स भी बिल्ड करने हैं, कंटेंट भी पब्लिश करना है, अच्छे कंटेंट के पीसेस पब्लिश करने हैं, उन कंटेंट के पीसेस को पब्लिश करते हुए आपने ये चीजें माइंड में रखनी है कि आपने इन चीजों को या इन क्यूरीज को अपने कंटेंट के अंदर इंजेक्ट करना है, जिन चीजों को लोग बाय सर्च के थ्रू सर्च करते हैं. गॉट इट? यस, इट मैटर्स अलॉट. क्या नाम है आपका? नोमान. इट मैटर्स अलॉट अलॉट, बिकॉज इफ यू आर नॉट स्टफिंग योर कीवर्ड अगेन एंड अगेन, हाउ डज सर्च इंजन गोइंग टू यू नो एक्सेप्ट योर साइट? हाउ इट इज गोइंग टू राइट? इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? अगर आपने अपनी साइट के ऊपर बार बार कॉन्टेंट में अपने फर्स्ट पैराग्राफ में 3-4 दफा कंटेंट प्लेस किया हुआ है, कीवर्ड प्लेस किया हुआ है, फर्स्ट में, सेकंड में, मिडल में, इमेजेस के ऊपर, तो ये इट्स अ गुड थिंग, राइट? दैट्स व्हाई आई कॉल अ लॉट ऑफ पीपल अन्नी वैगन, अन्नी कुकड़ी, राइट? दिस इज द रीजन. अभी मैंने इतनी देर से वो बात समझाई है कि भाई नहीं, कसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी. नहीं, नुमान, मैं मजाक कर रहा हूँ, डोंट टेक इट सीरियसली. मुझे पता है आप शायद लेट आए हो या आप शायद मिस कर गए हो. बताना ये चाह रहा हूँ कि पीपल स्टिल बिलीव इन दीज थिंग्स एंड दीज थिंग्स हैव नथिंग टू डू विद एक्चुअल प्रैक्टिसेस. ओके, ये सारी चीजों की अब आते हैं हम उन चीजों की तरफ कि भाई वो क्यूरीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज का, कि वो क्यूरीज कैसे ढूंढे, देन उन क्यूरीज को हम कहाँ पे अपने कंटेंट के अंदर प्लेस करें, कैसे प्लेस करें, राइट? किस तरह से उसका मैक्सिमम फायदा उठाएं. ऐसे ही है, कैसे उन चीजों का मैक्सिमम फायदा उठाएं जिन चीजों ने या जिन क्यूरीज ने वॉइस सर्च के अंदर अपेयर होना है. राइट, तो सबसे पहले हम क्या चीज करेंगे? सबसे पहले हम 1 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे ताकि मैं पानी पी लूं. जी, सो अब हमने ढूंढने हैं वो क्वेश्चंस या वो क्यूरीज जो क्यूरीज लोग वॉइस सर्च के अंदर, वो क्वेश्चंस जो वो लोग वॉइस सर्च के अंदर टाइप करते हैं, देन ढूंढते हैं. उमर खयाम चीते, योर कैम इज ऑन. टॉपिक था वॉइस सर्च, निशान जारी वाला टॉपिक था वॉइस सर्च. How to optimize your site for voice search? How to use or how to understand? Okay, so इन चीजों को ढूंढने के लिए मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, नो प्रॉब्लम. एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा. लेट से मेरी एक साइट है जो कुकिंग रेसिपीज के से रिलेटेड है. ओके, रेसिपीज से रिलेटेड है, और मेरी साइट के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हैं, जिनमें से 2 कैटेगरीज हैं, चिकन रेसिपी एंड लेट्स से के बेकरी आइटम रेसिपीज. ओके, नाउ द गोल, बिकॉज मैंने इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट लिखना है. नो, इट्स नॉट क्यू एन ए. आई एम ट्राइंग टू टेल यू हाउ टू फाइंड दीज काइंड ऑफ दोस क्यूरीज व्हिच पीपल ट्राई टू यू नो स्पीक इन वॉइस सर्च. ओके, सो दैट यू कैन यू नो ग्रैब देम एंड देन यू कैन यूज दीज क्यूरीज और दीज क्वेश्चंस इन योर कॉन्टेंट. For these points in your content and how to use these points in your content, which way? Okay,
So again, my site is about, let's say my site is about cooking recipes, and I have two categories. One is about chicken recipes, one is about bakery recipes. Okay. And I want to know, because I will write content on these topics, so I want to know, okay, what my audience, एक ऐसी ऑडियंस है जो चिकन रेसिपी से रिलेटेड सर्च कर रही है, एक ऐसी ऑडियंस है जो बेकरी रेसिपी से रिलेटेड सर्च कर रही है, मुझे कैसे पता लगेगा कि उसके वो कौन से क्वेश्चंस हैं या वो कौन सी चीजें हैं जो वो बोल के टाइप करे, राइट? बोल के टाइप करे, बोल के सर्च करे वॉइस सर्च के थ्रू. समझ आ गई, राइट? सो हम क्या करते हैं, इन इन क्यूरीज को गैदर करने के लिए या इन चीजों को गैदर करने के लिए हम ऐसे टूल्स का, अपने कीवर्ड रिसर्च टूल्स का सहारा लेते हैं जिनके थ्रू हम लेट्स से अपनी प्रैक्टिस करते हैं. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स. एक दो टूल्स के थ्रू मैं आपको करके दिखाऊंगा, बाकी आपको खुद समझ आ रही है. कुछ लोग इसको मैनुअली भी कर सकते हैं. यू डोंट नीड एनी टूल इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी, ओके? बट दीज टूल्स आर नेसेसरी, दीज टूल्स आर इम्पोर्टेंट. इफ यू कैन हैव देम, इट्स अ गुड थिंग, ओके? देखते जाएं. वेरी सिंपल, सबसे पहले मैं एचएफ की तरफ जाऊंगा बिकॉज आई लव दिस टूल, ओके? ओके, एंड मैं यहाँ पे कीवर्ड एक्सप्लोरर के अंदर जाऊंगा. दिस इज द कीवर्ड एक्सप्लोरर ऑफ दिस टूल. राइट, एंड यहाँ पे मैं अपना डिजायर्ड कीवर्ड कोई भी टाइप करूंगा, कोई भी. राइट, सो मेरा टॉपिक इस वक्त क्या है? मेरा टॉपिक है ऑब्वियसली मेरी कैटेगरी. मेरा टॉपिक है मेरी चिकन रेसिपीज, फॉर एग्जांपल. राइट, तो मैं ये टाइप कर दूंगा. यहाँ से आपने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है जिस कंट्री में आप टारगेट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को. राइट, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग दिस. अगर आप कोई भी कंट्री रखना चाहते हैं या उसको जनरली टारगेट करना चाहते हैं तो बस यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं आप. यू डोंट नीड टू डू दैट, ओके? आई विल क्लिक ऑन राइट, और मुझे यहाँ पे ये चीज आपको नजर आ रही होगी, क्वेश्चंस. राइट, इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड दीज. यू नीड टू क्लिक ऑन क्वेश्चंस, ओके? और यहाँ पे वो सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे या वो सारी क्वेश्चंस आ जाएंगे जो लोग वॉइस सर्च के थ्रू नॉर्मली सर्च करते हैं. राइट, इट्स नॉट फ्री अहमद रफीक, इट्स नॉट अ फ्री टूल, बट यू कैन गेट इट वेरी चीपली फ्रॉम एनी सेलर, ओके? फ्रॉम एनी सेलर. राइट, सो अब ये सारे कीवर्ड्स मेरे सामने आ गए हैं. इफ आई लुक एट दीज कीवर्ड्स, व्हाट टू डू विद लेफ्ट ओवर रोटसियर चिकन रेसिपीज, हाउ टू कुक चिकन ब्रेस्ट रेसिपीज, व्हाट रेसिपीज कैन आई मेक विद चिकन ब्रेस्ट, हाउ टू कुक चिकन फॉर रेसिपीज, व्हाट रेसिपीज कैन आई मेक विद चिकन. राइट, सो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं, राइट, जो लोग चिकन रेसिपीज से रिलेटेड पूछ रहे हैं. ऐसा ही है, मेरे टॉपिक से रिलेटेड पूछ रहे हैं. दिस इज अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेक्शन इन 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 एचएफ, ओके? अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेक्शन, ठीक है? राइट, आपने क्या करना है, आप इसको अपनी आप हो सकता है ये सारे के सारे आप ये सारे के सारे ऐड कर सकते हैं अगर आप ये टॉपिक से रिलेटेड हैं, वरना आप इनको देखते जाएं, जो आपको पसंद आ रहा है उसको सिलेक्ट करते जाएं. द रीजन आई एम सिलेक्टिंग दिस, लेट मी टेल यू. वैसे तो आप ये सारे ही डाउनलोड कर लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, कि आपके पास ये आ जाए, वरना आप इनके ऊपर नजर मार के इनको कर सकते हैं. एक और चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, अलिफ हुसैन, आई विल
take your question at later. Let me finish it first. Okay. I'm not running away from your questions. Relax. But if I started answering these questions, then hopefully I will not be able to conduct the remaining lecture. Right? Kya khayal hai? ठीक है, ओके. सो ये सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर सकते हैं, इस लिस्ट को पूरी को आप डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं ये एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद ये लिस्ट मेरे सामने सारी यहाँ पे आ जाएगी ऐसे. ये देखें, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आ गए. राइट, अब अगर थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल की जाए तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इटसेल्फ एक अलग से टॉपिक है. आप इनके अंदर से कितने आइडियाज ले सकते हैं अपने सिर्फ चिकन रेसिपी से रिलेटेड पोस्ट लिखने के लिए. जस्ट इमेजिन करें, ये सारे वो क्वेश्चन है जो ये ऑडियंस चिकन रेसिपी से रिलेटेड पूछती है. राइट, है या नहीं? ये इटसेल्फ डिफरेंट यू नो अलग अलग पोस्ट भी बन सकती है इनके ऊपर. कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर सेपरेट पोस्ट बन सकती है. कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपके लिए एक चिकन की रेसिपी की पोस्ट लिख रहे हैं उसके अंदर एडिशन हो सकता है, पॉइंट्स बन सकते हैं, पैराग्राफ बन सकते हैं. एक चीज है जिसका आपको आइडिया नहीं है लेकिन आप चिकन रेसिपी से रिलेटेड देखने, ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको आइडियाज मिलते हैं जो आप अपने कॉन्टेंट के अंदर साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. राइट, इसमें केडी का एचएफ की केडी का ख्याल वैसे ही नहीं रखना. राइट, सो आप इनको नोट डाउन कर लें, अपने पास रख लें. ठीक है, आप इसके अलावा अगर तो आप ज्यादा क्यूरियस हैं तो आप इसके फिल्टर से प्ले कर सकते हैं. यहाँ पे ये सारे इसके फिल्टर्स हैं, आप इस फिल्टर से प्ले कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोई ऐसा रख सकते हैं जिसमें लेट्स से कि आप चाहते हैं कि सारे ऐसे वर्ड्स जो 5 वर्ड से लेंथी हों. राइट, जिनकी जिनका जो वर्ड काउंट है वो 5, ऐसे तो यहाँ पे सारे 5 वर्ड्स ही आ रहे हैं. ये क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली ये क्वेश्चंस का जो सेगमेंट है एचआरएफ का, इसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ उन क्यूरीज को रखते हैं जिनके अंदर व्हाट, हाउ, व्हाई, इस तरह के वर्ड्स होते हैं. सो नॉर्मली ये वर्ड जब किसी कीवर्ड के साथ अटैच होते हैं तो वो एक क्वेश्चन ही होता है. राइट, ऐसे ही है. ठीक है, सो आप इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी तो खैर इनको रख लें, मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ जिसके थ्रू आप ये चीजें ऐड कर सकते हैं. अभी आपने ये चीज कर ली है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप फ्रेज मैच के ऊपर जाएं, ये दिस सेक्शन फ्रेज मैच, एंड यहाँ पे आप अपने फिल्टर्स लगाएं. अब फिल्टर क्या लगाने हैं, मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ कि कोई भी ऐसा कीवर्ड जो 6 वर्ड से कम का ना हो, तो ये सारे कीवर्ड यहाँ से रिमूव हो जाएंगे. देखें, हो गए यहाँ पे सारे ऐसे कीवर्ड्स आएंगे जो लॉन्ग टेल हैं, पॉइंट्स हैं पूरे पूरे. ठीक है, उसके बाद आप एक छोटा सा और फिल्टर लगाएं, आप वॉल्यूम का एक फिल्टर लगा सकते. वैसे मैं इसके वॉल्यूम के ऊपर यकीन रखता नहीं हूं लेकिन फिर भी चलें, फॉर दिस सेक ऑफ दिस डेमो आप यहाँ पे मिनिमम वॉल्यूम 50 के, कोई भी ऐसा कीवर्ड इसके अंदर ना आए जिसमें जिसका वॉल्यूम 50 से कम हो. ओके, और अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास छंटे हुए कीवर्ड्स आ जाएंगे जो पूरे के पूरे आइडियाज हैं, पूरे के पूरे आइडियाज हैं. राइट, आप एक पोस्ट लिख रहे हैं उसके अंदर आपको ये आइडिया किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं, किस तरह से इस पॉइंट को एलेबरेट कर सकते हैं, इस पॉइंट को कैसे एलेबरेट कर सकते हैं, इस पॉइंट को कैसे एलेबरेट कर सकते हैं. राइट, सो जब आप इनका मतलब या जब आप इनके बारे में कॉन्टेंट अपने पीस के अंदर लिखेंगे, पीस ऑफ कॉन्टेंट के अंदर एड करेंगे, ये ट्रस्ट मी आप मतलब बताने का ये है कि ये देखें, आप मुझे यहां से ये आइडिया मिला है कि ग्लूटेन फ्री डेयरी चिकन रेसिपी. राइट, दिस इज अनदर आइडिया कि मैं ग्लूटेन फ्री चिकन रेसिपी के ऊपर भी एक पोस्ट लिख सकता हूं, या मैं अपनी चिकन रेसिपी की पोस्ट के अंदर एक पैराग्राफ ऐड कर सकता हूं जो सिर्फ ग्लूटेन फ्री चिकन रेसिपी के बारे में हो सकता है. ठीक है, इसी तरह से चिकन रेसिपीज फॉर हाई ब्लड प्रेशर, कि मैं अपनी चिकन रेसिपी के कंटेंट के अंदर इस पैराग्राफ को ऐड कर सकता हूं कि अगर आप कोई हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, कि आपको ये ना चीज इस्तेमाल करनी चाहिए और आप ये वाली चीज इस्तेमाल करें. ठीक है,
बताने का मकसद यह है कि इन वर्ड से, इन कीवर्ड से या इन फ्रेजेस से आपको वो आइडियाज मिलेंगे जो विच विल यू नो ट्रांसफॉर्म योर कॉन्टेंट इन टू अ डिफरेंट अ वेरी इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ कॉन्टेंट, वेरी वेरियंट पीस ऑफ कॉन्टेंट, राइट। सो मैं इनको भी डाउनलोड करके अपनी लिस्ट के अंदर कर सकता हूँ जो कि मैंने कर लिया। अगर आप इसके थ्रू भी नहीं जाना चाहते, अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल वे है, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि ये मुश्किल वे है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने साइट एक्सप्लोरर पे आना, कीवर्ड एक्सप्लोरर को छोड़ देना यहाँ से। आई एम टेलिंग यू अ न्यू वे टू गैदर दीज वर्ड, दीज कीवर्ड्स और इंफॉर्मेशनल और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स विद अनदर टैक्टिक। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू साइट एक्सप्लोरर, दिस सेक्शन राइट, एंड यहाँ पे आपने अपने किसी एक कंपेटिटर का यू आर एल डाल देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सेस करता हूँ हाउ, इससे करते हैं व्हाट आर द बेस्ट चिकन रेसिपीज, वाइस सर्च से ही करते हैं, व्हाट आर द बेस्ट चिकन रेसिपीज, राइट। ये देखें राइट, इसने ये पहले दे दिया मुझे, राइट। चलो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस यू आर एल को ओपन करता हूँ, इस यू आर एल को, नॉट पूरे डोमेन को, इस यू आर एल को ओपन करके मैं एचरफ में जाता हूँ, मैं यहाँ पे इसका ये डालता हूँ, राइट, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ एग्जैक्ट यू आर एल, ओके, बिकॉज मैं यू आर एल के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यू आर एल के ऊपर जा रहा हूँ, सही है। सो मैं यहाँ पे इसको सर्च करूंगा, ओके, क्योंकि मैंने जो भी डाटा गैदर करना है वो इस यू आर एल का करना है। फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट एचरफ, एचरफ इज अ टूल विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन कीवर्ड रिसर्च, इन कंपेटिटिव एनालिसिस, ओके, आपके आपकी साइट की क्या प्रोग्रेस है या आपके कंपेटिटर्स की क्या प्रोग्रेस है, ओके। सो जब आप इसके अंदर जाते हैं और इसके अंदर जाने के बाद आपको ये यहाँ पे ऑप्शन दिखाता है ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का, इसका मतलब ये है कि दिस पेज, ओनली दिस पेज, नॉट द होल साइट, ये पूरी साइट नहीं, सिर्फ इस साइट का ये जो सिंगल पेज है उसके ऊपर 6.5K कीवर्ड्स रैंक है, यानी कि 6.5K के करीब कीवर्ड्स है जो इस साइट को या इस पेज को ट्रैफिक लेके आते हैं, सिर्फ इस पेज को, राइट। अगर मुझे वो कीवर्ड्स पता लग जाएं और उन कीवर्ड्स के अंदर से मैं अपने मर्जी की चीज निकाल सकूं और उन चीजों को मैं अपने कॉन्टेंट के अंदर डाल सकूं, इमेजिन करें कि ये कितना प्रॉफिटेबल होगा या कितना अच्छा होगा आपकी साइट के कंटेंट के लिए। हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये पेज गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर है, किस क्यूरी के ऊपर, व्हाट आर द बेस्ट चिकन रेसिपीज, राइट। सो अगेन मैंने क्या करना है, मैंने कीवर्ड्स के ऊपर जाना है, आई विल क्लिक ऑन ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, दिस बटन, एंड ये मेरे सामने ये सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे इसके, राइट। अब यहां पे मैंने फिल्टर का इस्तेमाल करना है, फिल्टर का इस्तेमाल कैसे करना है, मैंने यहाँ पे वर्ड काउंट का फिल्टर लगाना है, मैंने ऐसा करना है यहाँ पे कि मैंने कोई भी ऐसा वर्ड ना आए जो 6 वर्ड से कम हो, बिकॉज अगर 6 वर्ड से कम होगा तो वो एक मेरी नजर में वो एक प्रॉपर क्वेश्चन नहीं होगा, राइट, ठीक है। आई विल क्लिक अप्लाई एंड मुझे इसने 220 कीवर्ड्स बता दिए जो 6 वर्ड से ज्यादा बड़े हैं, ठीक है, 6 वर्ड हैं या 6 वर्ड से ज्यादा लेंथी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक छोटा सा और लगाना चाहते हैं यहाँ पे लगाएं, बिल्कुल माइनर सा कि 50 का वॉल्यूम हो, कम से कम 50 से कम वाले वॉल्यूम वाले सारे उड़ जाएं कीवर्ड, ठीक है, तो आपके पास 84 लॉन्ग टेल क्वेश्चंस और कीवर्ड्स बचते हैं या पॉइंट्स बचते हैं जो आप इस टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक, ये टॉपिक क्या है, चिकन रेसिपीज, 75 इजी चिकन रेसिपीज, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं कि आप इन कीवर्ड्स को जो कि आपके कंपेटिटर के कीवर्ड्स हैं, राइट, और वो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो किसी सीरियस जगह पे रैंक कर रहे हैं, राइट, आप इनके पॉइंट्स को अपने कंटेंट में, जो इस तरह का सेम आपका कंटेंट होगा चिकन रेसिपी से रिलेटेड, इन पॉइंट्स की मदद से आप अपने कंटेंट के अंदर एडिशन भी कर सकते हैं, इन पॉइंट की मदद से आप अपने कंटेंट के अंदर एक डिफरेंट सेगमेंट बना सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स कर सकते हैं, राइट, बुलेट्स बना सकते हैं, ठीक है, यू नो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, राइट, इस तरह से आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं, इनको डाउनलोड करके भी अपने पास लिख लें, इस लिस्ट के अंदर सेव कर लें जो आपने लिस्ट डाउनलोड की हुई है, ठीक है। लेट्स से क्योंकि ये लिस्ट आई हुई है, डाउनलोड हुई भी है, हम इसको डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे, ठीक है,
हमारे पास ये आ जाएगी लिस्ट। हम इसके अंदर अपनी एडिशन करते रहेंगे, जैसे जैसे हमें कीवर्ड्स इस तरह के कीवर्ड्स मिलते रहेंगे। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, दीज कीवर्ड्स आर इटसेल्फ टॉपिक आइडियाज, राइट। आपके जहन में ये नहीं है कि मैं क्या लिखूं, आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस को या इन इन कीवर्ड्स के ऊपर एक नजर मारने से पता लग जाएगा, अच्छा मैं चिकन ब्रेस्ट डिनर आइडियाज और चिकन विद चिकन ब्रेस्ट इसके ऊपर भी एक टिप वो लिख सकता हूँ, या यू नो लेट्स सी व्हाट यू कैन डू विद चिकन, क्विक मील्स टू मेक विद चिकन, राइट, what to cook for dinner, right, easy chicken recipes for family gatherings, right, ye is tarah ki sari aapko points kafi sare mil sakte hain. Anyways, aur ek bada acha point nazar aaya tha, leftover chicken breast recipe food network, yani ki ye batana basically ja raha hai ki aapko agar aapke koi khana bach jata hai jiske andar jo chicken breast hota hai उसके पीसेस बच जाते हैं, तो उससे भी आप क्या मजीद बना सकते हैं, क्या उसका इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, राइट। तो इन कीवर्ड्स को आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब आपके पास फॉर एग्जांपल एचरफ नहीं है, आप सेमरश के थ्रू ये सारा काम करना चाह रहे हैं, आप सेमरश के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। सेमरश भी इसी तरह का एक टूल है, कीवर्ड रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप सेमरश के अंदर जाएं, आप यहाँ पे अपना कीवर्ड टाइप करें। अब मेरा कीवर्ड यहाँ पे क्या है, चिकन रेसिपीज, right, I will type this keyword here and ये मुझे यहाँ पे कीवर्ड के आइडियाज दे देगा, जैसे ये दिखा रहा है फ्रेज मैच कीवर्ड, आपने कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे बता रहा है 364 कीवर्ड हैं। देखें, अभी हम प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहे, हम जस्ट कीवर्ड रिसर्च के अंदर अपने वो आइडियाज ढूंढ रहे हैं जो वॉइस सर्च के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कीप दिस इन माइंड, राइट। आपको इससे और भी काफी आइडियाज मिलेंगे, बट दिस द पर्पस ऑफ दिस प्रैक्टिस इज टू फाइंड कीवर्ड्स और क्यूरीज विच आर बेनिफिशियल फॉर वॉइस सर्च। ओके, देयर आर मेनी, मैं ये नहीं कह सकता कीवर्ड के डब्ल्यू फाइंडर से बेहतर टूल नहीं है, एचरफ भी बहुत अच्छा है, सैमरश भी बहुत अच्छा है, हर किसी की अपनी अपनी प्रैक्टिस है, हर किसी की अपनी अपनी अफोर्डेबिलिटी है। बट लेट्स, मैं ये डिफरेंस इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि कोई ये ना समझे कि ये सिर्फ और सिर्फ उससे हो सकता है, एचरफ से हो सकता है, ये के डब्ल्यू फाइंडर से भी हो सकता है, ये सैमरश से भी हो सकता है, राइट। सिर्फ आपको प्रॉपर इस्तेमाल करने का इसका तरीका आना चाहिए। अब ये देखें, मुझे बता रहा है फ्रेज मैच, फ्रेज मैच का मतलब है जिसके अंदर चिकन रेसिपी का वर्ड है, राइट। सो ये बता रहा है कि चिकन रेसिपी का वर्ड इसने तकरीबन 3 लाख के करीब कीवर्ड्स बनते हैं, बट हम 3 लाख के करीब कीवर्ड्स क्यों लेंगे। आई विल गो टू व्यू फुल रिपोर्ट, ये इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आई विल गो टू व्यू फुल रिपोर्ट एंड ये मुझे यहाँ पे पूरी रिपोर्ट दिखाएगा इसकी, राइट। ये देखें, अब ये मुझे यहाँ पे कितने दिखा रहा है कीवर्ड्स, बट हमने इन सारे कीवर्ड्स को अपने सामने नहीं रखना। अब ये देखें, इसके अंदर ये एक और ऑप्शन आ रहा है, जब आप इसकी लिस्ट पे आएंगे तो इसमें भी ये क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का दे रहा है आपको ऑप्शन, सेम एचरफ की तरह आपने क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करना है, वेरी सिंपल, और ये आपको सारे क्वेश्चन बताना शुरू कर देगा जो इससे रिलेटेड है। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ दीज, ये देखें, हाउ टू मेक चिकन सलामी रेसिपी, हाउ टू मेक चिकन स्ट्यू रेसिपी, कैम पाओ चिकन रेसिपी, व्हाट आर सम गुड चिकन ब्रेस्ट रेसिपीज, what is chicken fried steak recipe, right? So all these questions, all these keywords are beneficial because people will search. ek ghar ke andar, let's say koi dinner party hai, let's say ek ghar ke andar dinner party hai and someone wants to make a meal from with chicken, to usne kya karna, usne mobile uthana aur usne kehna google tell me what I can make today with chicken, what are the best chicken recipes that I can offer to my family, right? Or वो यही कीवर्ड होंगे जो, या वो यही क्वेश्चन होंगे जो इनके अंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा ही है।
सबर करें, मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ कि हाउ मेनी चीज यू नीड टू आस्क एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस। आप इस लिस्ट को भी डाउनलोड करके अपनी इस लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं जो आपने ये बनाई हुई है, ठीक है। ट्रस्ट मी, आपका डाटा, आपकी रिसर्च जितनी अच्छी होगी, आपका कॉन्टेंट उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। ये मेरी बात लिख लें, ठीक है। अगर आप अभी भी 2014-15 के फेज में घूम रहे हैं कि जी ये हो सकता है और ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो जरूरत नहीं है, छोड़ दें, छोड़ दें, सही है। इन चीजों से बाहर निकल आए, आपके पास ये लिस्ट जनरेट हो गई है, अब आते हैं इस चीज की तरफ। वैसे और भी 2-3 वेज हैं, अगर मुझे कहोगे तो मैं बता दूंगा, अगर नहीं तो मेरा ख्याल काफी है यहां तक कि आपने किस तरह से ये चीजें गैदर करनी है। फेयर इनफ। यही चीज आप जो है वो मोज से कर सकते हैं, यही चीज आप जो है, अच्छा फ्री में बता देता हूं मैं, फ्री में आपने क्या करना है, फ्री में आपने क्या करना है, आपने जस्ट गूगल पे जाना है, फ्री के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने ये चीज टाइप की है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लेकिन लोग इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। आपने इस बॉक्स को देखना है, इस बॉक्स को, पीपल आल्सो आस्क, ये सेम वो क्वेश्चन है जो गूगल आपको बता रहा है कि भाई आपने ये वाला कीवर्ड सर्च किया ऊपर ये वाला, लेकिन इसी कीवर्ड से रिलेटेड लोग ये वाला कीवर्ड यूज करते हैं या ये क्वेश्चन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, व्हाट इज गुड किचन रेसिपी, व्हाई इज चिकन गुड फॉर, हाउ मच डज अ चिकन ब्रेस्ट कॉस्ट, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसको ये चेंज करूं, बेस्ट चिकन रेसिपीज, यहाँ पे देखें, ठीक है, ये आपको ऐसे बताना शुरू कर देगा। यहाँ पे मजीद क्वेश्चंस खुलना शुरू हो जाएंगे, देखें जितना आप नीचे जाते जाएंगे आपके क्वेश्चंस मजीद खुलना शुरू हो जाएंगे, ये देखें, समझ आ रही है। यहां से आप ये सारे के सारे ऐड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आप करना चाहें तो आप यूबर सजेस्ट पे चले जाएं, नील पटेल का टूल, फ्री टूल है, उसके ऊपर जाके यही सेम चीज टाइप करें और उसके अंदर से लॉन्ग टेल, जो ज्यादा लॉन्ग टेल हो, जिनके अंदर क्वेश्चन मार्क ऐड हो, राइट, ऐसे कीवर्ड्स को गैदर करना शुरू कर दें। अगर आपके पास एडवर्ड्स है, आप एडवर्ड्स में जाके यही सेम ऑपरेशन कर सकते हैं, राइट। आपको किसी पे टूल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में भी ये सारी चीजें गैदर कर सकते हैं। बट पे टूल का थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, आपका टाइम बच जाता है, वरना वन बाय वन यहाँ से नोट डाउन करने में आपको कितना टाइम लगेगा, सोचें, सोचें, लगेगा या नहीं। दोनों बेहतर हैं यार, मैं इन दोनों में से किसी को बेहतर नहीं कह सकता, दोनों बेहतर हैं। आपके पास जो है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास वॉइस सर्च के लिए तकरीबन सारा डाटा आ गया, हमें वो क्यूरीज भी मिल गई जो लोग वॉइस सर्च के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, हमने टेक्निकल एस्पेक्ट्स का भी बिल्कुल ख्याल रख लिया कि कैसे हमारी साइट का फ्रेंडलीनेस होना, हमारी साइट की थोड़ी सी अथॉरिटी होना, राइट, उसका SSL होना, कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल, या उसकी साइट स्पीड का इम्प्रूव होना, ये सारी चीजें हमने कर ली। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो डाटा आपने गैदर किया है, ये जो डाटा आप, शाज़ेब शेख, व्हाट इज ये कौन सा तरीका है कि आप आए और आप ये क्वेश्चन पूछना शुरू हो गए हो, मैं ये छोड़ के आपके क्वेश्चन का जवाब देना शुरू कर दूं, रियली? जो चीज चल रही है उसको तो पहले प्रॉपरली कंप्लीट होने दो यार, सो बताने जा रहा था कि जब आपने ये सारा डाटा गैदर कर लिया, नाउ इज द गेम के इस डाटा को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। आपको ये सारे के सारे कीवर्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ओके? आपने ये देखना है, आपने ये देखना है कि आपके आपके टॉपिक को कौन सा क्वेश्चन या कौन सा कीवर्ड टच कर रहा है। अगर मेरा टॉपिक है रिलेटेड टू, मैं एक पोस्ट लिख रहा हूँ जो कि है किस चिकन रेसिपीज से रिलेटेड, के जी टॉप 10 चिकन रेसिपीज, तो आपने इसमें से देखना है कि उस रेसिपी के टॉपिक के अंदर कौन से क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं। अब इन क्वेश्चंस को ऐड करने के डिफरेंट तरीके हैं, कुछ लोग इसका अलग से
FAQ पेज बनाते हैं, फैक्ट पेज जिसे कहते हैं, कि फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। अगर आपकी साइट है फॉर एग्जांपल रेसिपी के बारे में, तो आप रेसिपी से रिलेटेड जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं लोगों के रेसिपी से रिलेटेड, आप उनको कंपाइल करके अपनी साइट के ऊपर एक पेज बना सकते हो। जब आप उस पेज के ऊपर एक क्वेश्चन लिखोगे और उसके नीचे दो लाइंस का आंसर लिखोगे, इमेजिन करो, गेम समझ आती है? आती है? ठीक है, आपने कोई, आप चले मान लिया आप इनके अंदर से अलग पोस्ट बना सकते हैं। इसके अंदर से आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसके ऊपर आप एक अलग से छोटी सी पोस्ट बना सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे आ रहा है, अभी मैंने यहाँ पे एक देखा था, एक हमें अभी कीवर्ड नजर आया था, ये एक क्वेश्चन नजर आया था कि व्हाट आर द बेस्ट चिकन रेसिपीज फॉर डायबिटिक पेशेंट, राइट। अब इस टॉपिक के ऊपर एक अलग से पोस्ट बन सकती है या नहीं बन सकती आपकी साइट के ऊपर? बन सकती है, ठीक है। इसी तरह से आप रिव्यूज के अंदर एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं। अपने अपने कोई रिव्यू की पोस्ट लिख रहे हैं, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यू लिख रहे हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस गैदर करें, उन क्वेश्चंस को गैदर करके एट द एंड ऑफ द टॉपिक, एट द एंड ऑफ योर रिव्यू, आप 5-7 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। 5-7 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करें। इसी तरह से आपको टेबल बना सकते हैं, जिस टेबल के अंदर जैसे फीचर्स का टेबल होता है, उस टेबल के अंदर उन क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को पूछने का और एक क्वेश्चन को एलेबरेट करने का तरीका हो सकता है, कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल एक बंदा सर्च कर रहा है व्हाट आर द बेस्ट फीचर्स फॉर आईफोन एक्स, तो आप एक हेडिंग बना सकते हैं, दीज आर द बेस्ट फीचर्स फॉर आईफोन एक्स, यू आर आंसरिंग हिज क्वेश्चन, राइट, इनडायरेक्टली। ऐसे ही है, एक बंदा सर्च कर रहा है कि व्हाट आर द बेस्ट फीचर्स फॉर आईफोन, आप अपनी साइट के ऊपर कंटेंट लिखते हुए एक हेडिंग बनाते हैं, दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस फॉर आईफोन, दीज आर द बेस्ट फीचर्स फॉर आईफोन एक्स, राइट। और नीचे आप पॉइंट्स की शक्ल में वो ये सारे उसके फीचर्स लिख सकते हैं। जब आप ये करेंगे तो जब वो बंदा सर्च करेगा व्हाट आर द बेस्ट फीचर्स फॉर आईफोन एक्स, तो किसका रिजल्ट आना चाहिए? क्यों? क्योंकि आपने अपने कॉन्टेंट के अंदर बताया हुआ भाई दीज आर द बेस्ट फीचर्स फॉर आईफोन एक्स विच यू आर लुकिंग फॉर, राइट। तो आपकी साइट की अगर थोड़ी बहुत पोटेंशियल है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, तो सर्च इंजन सबसे पहले आपकी साइट को सामने दिखाने की कोशिश करेगा, बिकॉज यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली, और उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं जो शायद कोई दूसरा कंपेटिटर नहीं कर रहा, कोई दूसरा आपका कोई और बंदा है जिसने उसी टॉपिक पे साइट बनाई हुई है, वो उस तरह से उसको कवर नहीं कर रहा, लेकिन यू आर कवरिंग दीज क्वेश्चन, यू आर कवरिंग दीज टॉपिक्स विच पीपल आर सर्चिंग वाया वॉइस सर्च। क्लियर? आप अपनी एग्जिस्टिंग पोस्ट, अभी आपकी साइट के ऊपर कंटेंट होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे जिनकी साइट के ऊपर पुराना कंटेंट पब्लिश होगा, आप उन साइट्स के ऊपर जाएं, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढें, उस पोस्ट को एडिट करें, उसके अंदर एक छोटा सा फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन या अपनी हेडिंग्स चेंज कर दें, हेडिंग्स के अंदर इन क्वेश्चंस को डालना चाहिए। अगर आप नॉर्मली किसी ब्लॉग को पढ़ते हो तो आप देखेंगे कि उन्होंने हेडिंग्स के अंदर पूरा पूरा क्वेश्चन लिखा होता है, राइट, कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेरी, हाउ टू सॉल्व दिस इशू, राइट, इस तरह से पूरी पूरी हेडिंग लिखी होती है। H2 के अंदर ऐड करें, ठीक है, H3 के अंदर इन क्वेश्चंस को ऐड करें, राइट। आप इनके ऊपर एक सेपरेट पोस्ट भी बना सकते हैं, आप अपनी पिछली पोस्ट के अंदर इन चीजों को ऐड भी कर सकते हैं, आप एक अलग से अपनी साइट के ऊपर डिटेल्ड FAQ पेज बना सकते हैं जिसके ऊपर आप इन सारे जो आपके ऑडियंस से रिलेटेड क्वेश्चन है उनके आंसर दे सकते हैं। So somebody, when somebody will search about these questions, आपकी साइट के ऊपर जब वो पेज बना होगा फैक्ट का, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस का, जिसके ऊपर आपने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा, तो सर्च इंजन क्यों आपका पेज वो सामने नहीं दिखाएगा? अन्नी वैग्नो, दिखाएगा या नहीं? Good. For example, let's put it this way. मैंने अपनी एक पोस्ट को एडिट करना है और मैं उसके अंदर अपने कुछ क्वेश्चंस को कवर करना चाह रहा हूं। मैं इस लिस्ट के अंदर से मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस नोट डाउन करूंगा
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरी इस लिस्ट के अंदर ये 10 क्वेश्चन है जो मैंने सेट सिलेक्ट कर लिए हैं कि जिनको मैंने अपनी पोस्ट के अंदर मेंशन करना है, ये 10 क्वेश्चन। ठीक है, मैंने क्या करना है, अपनी पोस्ट एडिट करते हुए या अपनी पोस्ट लिखते हुए उसके अंदर हर क्वेश्चन को लिखना है, उसके नीचे उसकी 2 लाइंस का आंसर लिखना है, जो कि आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। राइट राइट, ये तो चले चिकन रेसिपी से रिलेटेड है ना। एग्जाम्पल ले लें कि इसके अंदर से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो उन उन सवालों का जवाब देते हैं जो लोग उसके बारे में, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा पूछता है कि हमें कोई नमक का कितना ख्याल रखना चाहिए, सही है, या कोई बंदा पूछता है कि हमें कोई ऐसी चीज जो इसके अंदर इजाफी नहीं डालनी चाहिए, ठीक है, तो हम वो लिख सकते हैं कि दीज आर द थिंग्स। ये भी सही है, राइट, गॉट इट। ठीक है, आपने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, अपनी पोस्ट के अंदर जाके एडिट करना है, हेडिंग्स के अंदर ऐड करें बेशक, या सेपरेट एक पोर्शन बनाए अपने पोस्ट के अंदर जिसके अंदर आप ये FAQ का सेक्शन बना सकें और वहां पे डिटेल में दे सकें। ठीक है, आप इनको बुलेट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, आप इसको लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, आप इसके लिए टेबल बना सकते हैं, आप इसके लिए अलग से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं इनकी इनकी मदद से। राइट, ये सारी वो चीजें हैं जो जब आपकी साइट के ऊपर होंगी तो ये वो चीजें हैं, क्योंकि आपने कवर की हुई हैं, सर्च इंजन विल लव टू अपीयर टू यू नो शो योर साइट बिकॉज यू आर आंसरिंग दोज क्वेश्चंस व्हिच नोबडी एल्स इज आंसरिंग। क्लियर? राइट, इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बता लें बना लें, सही है, इन क्वेश्चंस की मदद से आपका स्टेप बाय स्टेप पूरा, मतलब एक क्वेश्चन इसके अंदर ऐसा होगा जिसके ऊपर पूरा ट्यूटोरियल लिखा जा सकता है, आप उसके ऊपर पूरा ट्यूटोरियल बना लें स्टेप बाय स्टेप का। सर अगर कोई और आंसर नहीं कर रहा तो HRF पे कैसे आ गया, ये भी बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन HRF के पास क्यों आ गई है ये सोचने की बात है ना, ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया आपने यार मेरे दोस्त। थिंक लॉजिकली, HRF साइट से डाटा गैदर नहीं करता, HRF क्रॉलर से डाटा गैदर करता है जहां पे लोग सर्च कर रहे होते हैं। सो ये बेसिकली क्यूरीज होती हैं जो लोग सर्च कर रहे होते हैं, ये वो चीजें नहीं होती जो लोगों ने एलैबोरेट की होती हैं या इनकी इंफॉर्मेशन दी होती है, ये वो क्यूरीज होती हैं जिनको लोग सर्च कर रहे होते हैं, ये वो डाटा होता है HRF के पास। समझ आ गई? सही है। अच्छा, अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो जल्दी जल्दी पूछ लें, आई वुड लव टू आंसर। लेट थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, मेरा प्लान नहीं था इतना लेट करने का, बट शायद आई एम श्योर के क्लियरली समझ आ गया होगा सबको। घोल के पिया या नहीं? नहीं, ऑफ टॉपिक ना पूछें बिकॉज काफी टाइम लग जाएगा, मुझसे इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछ लें ताकि जो अगर आपकी कोई ऐसी क्यूरीज है, से किसी अथॉरिटी साइट के टाइटल लॉन्ग टेल नहीं है उस पे कंटेंट में वो कीवर्ड है तो वो रैंक करेगा, बिल्कुल करेगा, अगर उसके कंटेंट के अंदर वो चीजें एक्सप्लेन की गई हैं तो बिल्कुल करेगा, देर इज नो नीड टू के जी उसका टाइटल पूरा प्रॉपरली उस पर होना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस है कि होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है, बिकॉज उसके कॉन्टेंट के अंदर वो चीज अवेलेबल है, दैट इज मोर देन इनफ। सब फैक का सेक्शन कौन से टैग में यूज करूं, लाइक आप फैक का सेक्शन जो है वो अलग से भी बना सकते हैं, H3 भी रख सकते हैं, H2 भी रख सकते हैं, अपनी नॉर्मल जो आपने हेडिंग्स रखी हुई है उनके अंदर लैबरेट कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट। सर कोई थीम जो हेल्थ का फास्ट लोड हो जाए, दिस इज नॉट अ वैलिड क्वेश्चन, मैंने अभी कुछ थीम्स बताई हैं, इनमें से आपको अपने लेआउट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो मेरे दोस्त। सर वॉल्यूम कितना होना चाहिए, इस चीज के अंदर मैं वॉल्यूम के ऊपर ज्यादा एलैबोरेट करता नहीं हूँ, बिकॉज जैसे जैसे आपकी साइट की अथॉरिटी बिल्ड होती जाती है आपका ये जो चीजें, बिकॉज एक एक क्वेश्चन का वॉल्यूम अगर 10 भी है लाइक से, उस क्वेश्चन के पता नहीं कितने टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं, सेम सिमिलर वेरिएशन, सही है, जिनका 10 10 10 10 10 10 और हो सकता है, राइट। सो मैं जानबूझ के इसके अंदर इस चीज को नहीं करता। सर कंपेटिटर का पता चल रहा है न्यू वेबसाइट के लिए, सर कंपेटिटर का कंपटीशन का कैसे पता चलेगा न्यू वेबसाइट के लिए, अपने कंपेटिटर्स को स्टडी करना पड़ेगा आपको डिटेल में, और अगर आपने बहुत डिटेल में स्टडी करना है और आपको कभी चाहिए कि आप इसके रिलेटेड कोई आपको इशू ना हो तो मैं थोड़ी सी अपनी प्रमोशन कर लूँ कि आप मेरा बैच 4 ज्वाइन कर लें। सर अगर आप किसी
अच्छा फिर सही है, अगर आपने कर लिया तो फिर यू डोंट नीड टू वरी, फिर यू डोंट नीड टू वरी। अगर हम किसी कीवर्ड पे कंटेंट लिख रहे हैं उसी में क्वेश्चन इंक्लूड करें या अलग से फैक्ट का पेज बनाएं, वो बेस्ट रहेगा? दोनों चीजें बेस्ट रहेंगी, सही है। अगर आपके पास डाटा इतना है कि आपको लगता है कि अलग से पेज बनाना चाहिए, आप अलग से पेज बना लें। अगर आपके पास डाटा कम है, आपको लगता है कि यार मैं इसी पोस्ट के अंदर इसको एडजस्ट करूं, तो आप उसी पोस्ट के अंदर एडजस्ट कर दें। अगर हमारा ब्लॉग एक माइक्रो निच पे हो बट कंपेटिटर का डीए ज्यादा हो, तो बट निच एग्जैक्ट वो ना हो, तो हमारा ब्लॉग रैंक कर सकता है? अगर हमारा ब्लॉग एक माइक्रो निच पे हो बट कंपेटिटर का डीए ज्यादा हो, यार अब जाहिर सी बात है, अगर आपका कंपेटिटर 3 साल पुराना है और उसके मैट्रिक्स ज्यादा अच्छे हैं, तो आप ये तो एग्जैक्ट एक्सपेक्ट ना करो ना कि आप उसको 3 दिन के अंदर आउटरैंक कर दोगे। हाँ, आप उसके मुकाबले में आते हो तो फिर आप निकलोगे, राइट? उसके मुकाबले की आप एफर्ट्स करते हो, कंटेंट प्रोड्यूस करते हो उसकी तरह जो उसने 2 सालों के अंदर काम किया हुआ है, उन चीजों को फॉलो करते हो, तो यस फिर तो समझ आती है आप रैंक कर सकते हो। आई वांट टू मेक अ प्रोडक्ट रिव्यू साइट बनाना चाहता हूँ, सो फैक्ट क्वेश्चन एट द एंड वुड बी गुड। यस इट इज गुड। अगर आप नॉर्मली कुछ अच्छे ब्रांड्स को खोल के देखो तो उसमें देखोगे कि एंड में उन्होंने डिस्क्रिप्शन के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी की होती हैं जो जो फ्रीक्वेंटली आपको आस्क क्वेश्चन होते हैं, क्या आप मतलब कुछ लोग लेना चाहते हैं, उनके कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी उसके अंदर एक्सप्लेन किए होते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, फैक्ट फैक्ट सेक्शन के अंदर। अगर हम एक आर्टिकल पे आंसर क्वेश्चन और वो ऑलरेडी फैक्ट पेज पे भी आंसर हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है? अगर एग्जैक्टली आपने किया हुआ है तो नॉट गुड, थोड़ा सा चेंज करके कर लें, या उसको जरूरत नहीं है वहां पे। वैसे तो आई थिंक आपके पास डाटा इतना होगा कि आपको जरूरत नहीं है बार बार रिपीट करने की। सर एक साइड चेक करके बता सकते हैं ना? इस वक्त तो मैं नहीं कर सकता नोमान, अपोलोजीज भाई। अमेजोन FBA भाई, अगर आपके पास कोई 5-7-10 लाख रुपए जो है वो फ्री में पड़े हुए हैं, तो आप इन्वेस्ट जरूर करें। इट्स समथिंग लाइक दिस, आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सर बैकलिंक कैसे बनाते हैं हम? सम अदर टाइम, कोई और वीडियो में या किसी और वेबिनार में। अब मेरे यूट्यूब के ऊपर जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं जिनके अंदर मैंने ये सारी चीजें बताई हुई हैं। वैसे सर मैं एक बाय कर सकता हूँ अशरफ? यस, आप पर्सनली बाय ना करो, आप शेयरिंग जो शेयर टूल्स होते हैं उनसे बाय कर लो। कुछ सेलर्स होते हैं जो शेयरिंग में ये टूल्स बेचते हैं $15 a month, $20 a month पे सारे टूल्स, आप उनसे ले सकते हो, महीना इस्तेमाल कर सकते हो। सर हर पेज के लिए अलग टैक्स सेक्शन बनाए? नो, हर पेज के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एक पोस्ट है और वो काफी लेंथी पोस्ट है, उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि हाँ यार इनको मुझे आंसर करना चाहिए, करें, जरूर करें, जरूर करें। नाउ आई नीड मैरिज बिकॉज आई गॉट बिग टिप्स। आई कैन गिव यू सम अदर बिग टिप्स इफ यू वॉन्ट मी टू, हारून। इट विल बी अ पेनफुल प्रोसेस बट आई एम श्योर दैट यू विल। ऐसे ही दिल में आया बोल दिया, नेवर डू दैट अगेन। आई विल रिमूव योर कान फ्रॉम योर माउथ फेस, ट्रस्ट मी। यहाँ पे बैठे हुए हो, शुक्र अदा करो बैठे हुए हो स्टिल। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? काफी इससे बाद मेरा प्लान बना आप लोगों के साथ आने का, तो इसलिए अगेन माजरत, मैं काफी अर्सा गायब रहा। उसकी रीजन सॉलिड ये थी कि मैं थोड़ा सा बिजी था अपने बैच को लेके। नेक्स्ट प्लान होपफुली दोबारा आऊंगा, फिर दोबारा करेंगे वेबिनार। ये सिलसिला होपफुली चलता रहेगा, थोड़ा सा लेट चलता रहेगा, मे बी 1 महीने के बाद, मैं मतलब 15 दिन में एक दफा कर लूँ, 10 दिन में एक दफा कर लूँ, मे बी वीकली एक दफा कर लूँ, बट ये सिलसिला चलता रहेगा होपफुली। नहीं, माफी शाफी कोई नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जुगनू जो है वो, यू नो आई लव जुगनू। यू आर वेलकम हसनैन नसीब। तेनू मैं दसांगा कबीर। शाहजी को पूछना, ठहर जा। ऑलराइट डगी, टेक केयर, बाय। अच्छा मुझे इजाजत दें, इट्स बीन लेट, होपफुली
आपको टॉपिक पसंद आया होगा। टॉपिक ना रिवील करने की रीज़न ये थी कि इसमें मैं चाहता नहीं था कि आपको लोगों को इस चीज़ का प्रॉपरली अंदाजा हो कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज। नो प्रवीण कुमार, आई एम नॉट इग्नोरिंग, आई एम नॉट सीन इट, इग्नोर करना नहीं है। मैंने अगर बाकियों का दिया तो मैं आपके क्वेश्चन का भी दे सकता हूँ, आप मुझसे ग्रुप में पूछ लेना ये क्वेश्चन, आई वुड लव टू आंसर। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, इतनी देर बैठने का शुक्रिया, मुझे बर्दाश्त करने का शुक्रिया। अगर आपके कोई फिर भी क्वेश्चंस हो तो आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, पब्लिक हमारे ग्रुप के अंदर, मी और माय टीम विल लव टू आंसर। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, मोस्ट वेलकम इफ यू आर ज्वाइनिंग MM4। थैंक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय, गुड नाइट।